हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? हमारे नव क्लासेस की ऐप में, न्यू प्लेटफॉर्म में आपको कैसा लग रहा है? ओके, यू कैन चैट गाइस, चैट। I'm just waiting कि थोड़े से बच्चे ज्वाइन हो जाए, देन वी विल बी कंटिन्यू। आ गई चैट। हेलो, बहुत अच्छा, नया नया फील हो रहा है, नया नया जेडएफ भी मिलेगा फिर अपन लोगों को, है ना? आप सभी का स्वागत है पर्सनलाइज्ड कोर्स ऑन पेपर टू कॉमर्स विद प्रीवियस क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर मैं कंप्लीट कॉमर्स कवर करवाने वाली हूँ, ऑल 10 यूनिट्स। ठीक है, सिमिलरली जो बच्चे मैनेजमेंट के हैं उनके लिए भी ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए। आपके मैनेजमेंट के जो यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स मैं लूंगी, 4 यूनिट्स गौरव सोइन लेंगे। ठीक है, वो भी कंप्लीट होने वाले हैं, एक भी यूनिट नहीं छूटेगी इसलिए। ठीक है, नवदीप कौर एंड गौरव सोइन विल कंप्लीट कंप्लीट मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए अभी अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आपको क्या-क्या मिलने वाला है? यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, और इन कोर्स पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगी जो कि कोर्स के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन है तब भी आप उसको रीड आउट कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी में दोनों मेरी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है, और जो बच्चे टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक्स में आएंगे उन लोगों को मेरी तरफ से सर्टिफिकेट एंड ऑल जेआरएफ होल्डर, जितने भी जेआरएफ होल्डर्स होंगे उन सबको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मतलब मकसद हमारा सिर्फ ये नहीं कि कोर्स ले लो कोर्स ले लो, मकसद है ऑल इंडिया रैंक लेकर आओ, जेआरएफ लेकर आओ, सक्सेस चाहिए, राइट? सो अबाउट मी यू मस्ट बी नो, नोइंग अबाउट मी कि 12 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। मैंने यूजीसी नेट, सीबीएसई नेट एंड एनटीए नेट इन सब की जनरेशन को पढ़ाया है। ठीक है, लाइव ही है जी, लाइव है हम सब। एंड बेस्ट जेआरएफ कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, और मेरे कंटेंट के बाहर कुछ नहीं आता, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको कवर अप करवाऊंगी। ठीक है, सो मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, नाउ क्लासेस एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। मैक्सिमम सक्सेस रेट ऑफ लर्नर इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट जेआरएफ, मेरा जो सक्सेस रेट है जेआरएफ के साथ पीएचडी होल्डर्स मेरे आपको सबसे ज्यादा जिस यूनिवर्सिटी में चले जाओ नव लर्नर्स दिखाई देंगे, और साथ ही साथ आपको प्रोफेसर्स भी दिखाई देंगे। तो मेरा जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स पीएचडी होल्डर्स क्रिएट करने का भी रहा है। ठीक है जी। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, आई अवार्डेड नेट जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी मेरे इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं, और मैं खुद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो आई एम परसुइंग माई पीएचडी फ्रॉम एनएसयूटी, ठीक है, दिल्ली। सो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। अभी ये जिस क्लास में आप जुड़े हैं, इस क्लास में हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे। पहली तारीख है आज, ठीक है, आज की डेट हम इंट्रोडक्शन करेंगे, हम समझेंगे कि कॉमर्स का एग्जाम कैसा आता है, उसके लिए कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, और साथ ही में मैं आपको, क्योंकि हमारी पहली यूनिट यहाँ पर कौन सी स्टार्ट हो रही है, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग पढ़ाऊंगी भी। इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? सो ऐसे करके ये सारा स्केड्यूल आपको आपके कोर्सेज में भी दिखाई दे जाएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है नव क्लासेस ऐप का तब भी, और नहीं लिया तब भी एटलीस्ट आप ये स्केड्यूल चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हर यूनिट के मैंने कैसे रखा है कि पहले आपके कंसेप्ट कराएंगे, 3 से 4 क्लासेस होंगी, और उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, फिर अगली यूनिट आएगी उसके भी 3 से 4 क्लासेस होंगी, राइट? एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले ही मैंने लास्ट वाली 3 यूनिट्स रखी हैं, मार्केटिंग, लीगल एस्पेक्ट एंड इनकम टैक्स, फिर उसके बाद फिर सिर्फ यूनिट 1 से लेकर सारी की सारी 7 तक आने वाली है। ठीक है जी। सो ये सारी की सारी यूनिट्स अपन ने कब तक खत्म कर लेनी है? हमने खत्म कर लेनी है कॉमर्स की
8 दिसंबर तक, लेकिन अगर आपका पेपर, क्योंकि 6 दिसंबर डेट आई है, उससे पहले हुआ तो मैं एक दिन में दो दो क्लासेस लेकर खत्म कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी समझ में आया? एक दिन में दो दो क्लासेस भी हो सकती है, ये सब मेरे हाथ में है और आपके साथ मैं आप जब चल रही हूँ तो हम लोग इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं कोर्स को। ठीक है जी, और 1-to-1 आपके साथ इंटरेक्शन रहने वाली, जैसे कि अभी आप चैट में हो, रेज द हैंड में हो, ठीक है, सो 1-to-1 भी हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक बारी चेक कर लेते हैं, साक्षी रवल है, साक्षी उठाना फोन, आपको दिखाए थे रेज द हैंड का भी ऑप्शन है, यहाँ पर उठा रहे हो? हेलो, अच्छा मैं काजल को चेक करती हूँ। हेलो काजल, बिल्कुल हाँ जी, काजल ने खुद ही म्यूट कर दिया। यार तुम आ क्यों रहे, जब बात नहीं करनी तो हाँ जी राहुल, हेलो, चलिए फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, आज बच्चे मस्ती मार रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आप मैनेजमेंट की तरफ आएंगे तो मैनेजमेंट की जो कॉमन यूनिट्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वाली वो मैं ले रही हूँ, जैसे कि मार्केटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि अगर हम कॉमर्स से मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा टॉपिक होता है जो कि अभी आपका बाकी होता है, तो ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना होता है। तो मार्केटिंग का पूरा, जैसे कि अभी मैं कॉमर्स वाली क्लास में कराऊंगी तो वही सेम मेरा मैनेजमेंट वाले कोर्स में भी आएगा। प्लस ये गौरव स्वयं का साइड में है, ये रात को शाम को 7 बजे लिया करेंगे क्लास। ठीक है, मैनेजमेंट में आपको दो एडवोकेटर मिल रहे हैं, वहां से आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर चल रहा होगा, यहाँ से आपका मैं जो पढ़ाऊंगी वो चल रहा होगा, तो मैनेजमेंट की एक्चुअली दो क्लासेस हुआ करेंगी। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद मैं थोड़ा नीचे आ रही हूँ, उनके जो 4 यूनिट्स हैं या 3 यूनिट्स का कवर करने के बाद एक्सटेंडेड मैनेजमेंट क्लास, हर एक यूनिट का जो और भी ज्यादा एक्सटेंडेड पोर्शन है प्रॉपरली मैनेजमेंट के लिए, वो हर एक यूनिट का अलग से क्लास रखी है जो गौरव स्वीन आपके साथ कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग मैनेजमेंट भी कवर अप कर चुके होंगे 1 दिसंबर के आसपास में। और फिर मैंने यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है, जब तक एग्जाम चलेगा तब तक हर कोर्स में, पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट, हर एक कोर्स में क्या होगा कि आपके साथ बेसिकली रिवीजन करवाई जाएगी। तो जैसे कि मान लो 6 को पेपर है, किसी का 12 को पेपर है, राइट, इवन देन वी विल बी कमिंग एंड डूइंग रिवीजन एज पर इंट्रैक्शन एंड लर्नर्स का जो भी हमारा रहेगा, ताकि हमारा प्रैक्टिस होता रहे और पेपर तक हमें पूरा साथ मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से प्योरली पर्सनलाइज कोर्स है। तो अभी यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया, अभी आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हमारी जो फर्स्ट यूनिट, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमर्स या मैनेजमेंट के कोर्स में स्टार्ट करेंगे, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कॉमर्स का एग्जाम होता कैसे है और हमें इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होता है। ठीक है जी, कोर्स की प्राइस बता दो, सप्लीमेंट क्या होता है। एक्चुअली मेरी जो बुक है पेपर बैग, वो इंग्लिश मीडियम में आती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी दो तो इसलिए हिंदी मीडियम सप्लीमेंट अवेलेबल होती है। ठीक है, ई बुक्स या कुछ एक्स्ट्रा नोट्स देने हैं तो वो। चलिए अब हम प्लीज लिसन केयरफुली कि अगर हमें नेट जेरफ निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए। पेपर 2 की बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 की क्लास हमारी रात को 8-9 बजे है, 9 PM है, तो उसमें अच्छे से शे 10 से पेपर 1 कर लेंगे, राइट। अभी पेपर 2 की बात कर, तो जैसे कि हमने देखा दिसंबर में अपना एग्जाम है, या फिर अगर आप जून के लिए भी अटेम्प्ट करें तब भी 9 मंथ का कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल। आप फीस पूछ रहे थे तो देखिए, ओनली अगर पेपर 2 लेना है तो 4,000 रुपीज का है, अगर पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो लेना है तो 6,500 का है। उसमें भी टॉप 200 स्टूडेंट्स के लिए अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, 500 रुपीज डिस्काउंट का। ठीक है, तो ये बेसिकली है अमाउंट। अभी मैं नव क्लासेस ऐप पे हूँ, यहाँ पे यहाँ की बात करें। सो लिसन केयरफुली, जब भी हमें चलना होता है तो सभी यूनिट्स का हमें क्या क्या चाहिए, कंसेप्ट्स।
ठीक है। सो कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आई रिकमेंड कि एटलीस्ट 2018 से लेकर 2023 तक कीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसकी टेक्निक भी बताऊंगी मैं, प्लस आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने हैं और टेस्ट सीरीज करनी है, राइट। तो देखिए क्या होता है, कंसेप्ट का मतलब कि सारा थ्योरेटिकली हमारे बेस क्लियर हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों की तरह 11th 12th का पढ़ने बैठ जाए। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, वो वाले टॉपिक्स हमारे पूरी तरीके से कवर हो। ठीक है, तो इस कोर्स में आपके सारे के सारे कंसेप्ट में कवर कराऊंगी, वो मेरी तरीका है कैसे मैंने आपको 2 महीने के अंदर अंदर करवाना है, वो मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा। ठीक है, कि जैसे मेरे को 12 साल हो चुके हैं आपको पढ़ाते हुए और मुझे पता है कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं। सो दैट वी विल बी डूइंग। ओके, हाँ जी, आज बिल्कुल। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो ये देखने के बजाय कि मैम मेरे ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर गलत हो रहे हैं, आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है क्या मुझे क्वेश्चन रीड करना आ रहा है, उसके साथ जो ऑप्शंस हैं आंसर सही हो या गलत, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को समझो, और अगर रॉन्ग हो भी रहे हैं तो क्या करेंगे आप, उस पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ेंगे कि भाई ये टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आगे आगे चलना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन है तो मुझे बस वही देखना है, उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वी शुड कवर दीज थिंग्स। और इस कोर्स में हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, कॉमर्स में तो और मैनेजमेंट में तो सिर्फ 2023 वाले ही नहीं, उससे पहले तक भी अपन कर लेंगे, और हाँ जी पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे ही मिलेंगे। अब आते हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की तरफ। तो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्यों किए जाते हैं, वो इसलिए कि ये देखने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो मैंने पहले कभी अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या मैं उसको पढ़ सकता हूँ, कर सकता हूँ। और अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हो तो उससे क्या क्या होता है, एक तो यहाँ पर टाइमर चल रहा होता है, ठीक है, और ऊपर से बिल्कुल एग्जाम की तरह ही जैसे पेपर में होने वाला, यहाँ पे स्क्रॉलिंग है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे आपका पैलेट है। ठीक है, तो आपके जैसे कि 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है जब हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुझे यही कहते हैं कि मैम हमारा पेपर छूट गया बिकॉज इट वॉज लेंथी। अब वो शिकायत आएगी ही नहीं क्योंकि आपको बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में 375 रुपीज में, ठीक है, टेस्ट सीरीज दे दी जिसमें पेपर 1 भी है पेपर 2 भी है। तो अब यार अपने लाइफ में अभी जो 2 महीने हैं पूरे के पूरे तरीके से डेडिकेशन से दे दो, नेट जेआरएफ को दिसंबर में क्लियर हो जाएगा, जून का मुंह देखना ही नहीं पड़ेगा, और अगर देखना पड़ेगा भी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयारी करो कि क्या पता इसमें ही क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं आज से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस स्टार्ट करवा रही हूँ, जब मैं कह रही हूँ कि मैं अपना पूरा सिलेबस कवर करा सकती हूँ तो आपको बस मेरी क्लास देखनी ही तो है। ठीक है, क्लास देखनी है, बाकी उसके साथ टाइम पीरियड सेट कर लो, रोज के 1 घंटे या 2 घंटे अपने टेस्ट सीरीज को देने हैं। ठीक है, आप देखना कंसेप्ट यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से, प्लस जो प्रैक्टिस वाली बात है ना, प्रैक्टिस अनगिनत प्रैक्टिस वो आपकी टेस्ट सीरीज से होगी, तो ये चीज यहाँ पर साथ साथ चलेगा। मतलब ऊपर वाला पैकेज इतना बड़ा कोर्स के अंदर हो जाएगा साथ साथ करने का है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप और टाइम डिवोट करके प्रैक्टिस 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 यू विल डेफिनेटली विन द रेस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ये ना सोचे कि एग्जाम फर्स्ट टाइम दोगे तो पासिंग मार्क्स कितना होता है, यही मैं जस्ट बोलने ही वाली थी। कोई भी ये ना सोचे कि मुझे सिर्फ कट ऑफ ढूंढनी है, पासिंग मार्क्स ढूंढना है, क्योंकि ये सब मिथ है। क्या है मिथ, मोह माया, इसमें जाल में फंस गए तो फंस गए। द रीजन इज कि कट ऑफ डिपेंड करती है लेवल ऑफ एग्जाम। ठीक है, एग्जाम अगर इजी आ जाए तो हाई चली जाती है, एग्जाम अगर टफ आ जाए तो लो चली जाती है। तो भाई अगर आपने इस बार का सोचा, क्योंकि इस बार ही लो गई थी क्योंकि पेपर थोड़ा सा एज पर ऑल स्टूडेंट्स ऐसा था, तो इस बार अराउंड 200 के आसपास ही जेआरएफ के मार्क्स
आ रहे हैं, 190 वालों का भी जेरफ आ रहा है, 200, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी 220 भी होता है। आप इस बार ही देखोगे अगली बार पेपर आसान आ गया, कहोगे मैम हमने तो 200 का तीर मारा था, कट ऑफ आ गई 210, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? रोने के अलावा कोई टाइम नहीं, कोई रास्ता नहीं होगा, और 6 महीने और लगाने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना पूरा एफर्ट लगा के किसकी तरफ ध्यान देना है, ये इसकी तरफ, ऑल इंडिया रैंक इसकी तरफ, जेआरएफ इसकी तरफ, 100 परसेंटाइल। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आप इस 100 परसेंटाइल की तरफ ध्यान देंगे तभी तो आप नेट जेआरएफ और ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आ पाओगे। और अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे ध्यान दोगे तो ये तो वो चीज है कि मैं एक पहाड़ पे खड़ी हूँ, यहाँ पर थोड़ा इधर गई और इधर गई, दोनों जगह खाई आ सकती है, ठीक है? तो आप सिर्फ एक एज पे खड़े हो गए हो, फिर पता नहीं क्या होगा, लुढ़क भी सकते हो, लुढ़क भी सकते हो। तो मेक श्योर टू गिव योर 100% टू गेट 100% टैलेंट ऑल इंडिया रैंक। किस किस को मेरी ये वाली बात समझ में आई है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? 96% था कॉमर्स का इस बार। अभी वैश्वती ने बोला कि 96% था इस बार, और पिछली बार, व्हाट अबाउट पिछली बार? पिछली बार देखा था आपने कट ऑफ 98% था पिछली बार ही, इस बार ही 96% था, पिछली बार 98% था, ठीक है? क्या अगर मैं इस बेसिस पे मानू कि 96% मुझे लेके आना है तो अगली बारी में 98 गया तो क्या कर लोगे आप? बिल्कुल टाइट है फीस। मैं आपको बताऊं ये सब जो है इसको आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते अभी इस वक्त, क्योंकि 98% वाला भी अभी इतने भी नहीं लेकर आ पाया। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है? वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी पे, तैयारी कैसी होनी चाहिए। जब हम ऑल कवर करेंगे, ठीक है, वो कहाँ से करेंगे उसकी चिंता छोड़ दो, मैं हूँ वो, मैं कराऊंगी, ठीक है, कोर्स के अंदर, तो फिर हम कॉन्फिडेंट होंगे। साथ में हमने टेस्ट सीरीज सॉल्व की होगी तो फिर पेपर टाइम पे भी कर पाएंगे, राइट? तो इस तरीके से नेट जेआरएफ का रास्ता खुलेगा। जब हम सोच रहे हैं कि ये कोई आसान मक्खी है या आसान चीज है, मलाई है, चॉकलेट है, जो भी पसंद है आपको, ठीक है, तो हम ऐसे ही खा जाएंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर कोई जेआरएफ लेकर आया है, कोई ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आया है, तो कड़ी मेहनत लगी है। अभी मैं आपको ये मौका दे रही हूँ कि आप इन 2 महीने में भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैं शुरू से सारा सिलेबस कवर करा रही हूँ। तो अब आप दिखाओ आप में ये हिम्मत है कि नहीं, आप में ये जज्बा है कि नहीं कि यस आई विल गेट इट। अभी भी कोई ये बंदा मुझे कहता हुआ मेरे कोर्स में तो एटलीस्ट ना दिख जाए कि मैम हम ट्रायल के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं करवा रही हूं तो मैं ट्रायल के लिए नहीं करवा रही, ये पैसा भी मैं ट्रायल के लिए नहीं दे रही, क्योंकि मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, मैं 100% दे रही हूँ, मैं पूरा का पूरा 100% सिलेबस कवर करा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगी, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन दे दिया। तो अभी इस वक्त इट इज पॉसिबल टू क्रैक विद इन 2 मंथ, दिस इज माई स्टेटमेंट, नवदीप कौर स्टेटमेंट, समझ में आ गई? सो आप में से कौन कौन है जो डेफिनेटली इस बारी नेट जेरेफ निकालने के ही इरादे से यहां पर आया है, टेल मी। ओके, वी कैन क्रैक इट आज, तो कट ऑफ का चक्कर भूल जाओ, 100% पे ध्यान दो, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक पे ध्यान दो, फिर देखो कमाल होगा। और पूरी मेहनत कर दो, जो काम है इधर उधर के कोशिश करो कम कर दो, और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। घर वालों को भी बोल दो कि मेरे को 2 महीने चाहिए, नहीं तो खामोखा 3 6 महीने और बर्बाद करने पड़ेंगे, ठीक है? लड़ना नहीं है, लड़ने को तो मैंने बोला ही नहीं किसी से, एक प्यार से एक होती है डिस्कशन, बातचीत होती है, उससे बात बनती है, घर वाले भी समझते हैं, ठीक है? ओके, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं अपने सिलेबस को। आर यू रेडी फॉर कॉमर्स सिलेबस? ओके, मिरेकल बनाना है खुद को, अच्छा
आई एम गिविंग माई बेस्ट, यू विल ऑल्सो गिव योर बेस्ट, वी विल गेट द बेस्ट, ठीक है? अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा निकलेगा, अच्छा पेड़ लगेगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सिलेबस फर्स्ट, ठीक है? हर एक टॉपिक के बारे में समझते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम लोग मार्केटिंग चालू कर लेंगे। डू यू वॉन्ट टू स्टडी ऑल्सो टूडे या सिर्फ हेलो हाई करके निकल लें? और नव क्लासेस ऐप के अंदर आप जो ये क्लासेस लेंगे कॉम्बो, काफी बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं सुबह से, मैंने देखा 200 टॉप 200 के रेस में आने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है? और अगर आप कोर्सेस लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने आप को एक बहुत ही सुकून महसूस करेंगे कि यस थैंकफुली आई टुक दिस, नाउ आई एम फ्री, आई एम टेंशन फ्री। अब क्या करना है, सिर्फ मेहनत बाकी है। अब डाटा मिल गया है, कंटेंट मिल गया है, क्लास मिल गई है, मेहनत बाकी है, ठीक है? और उसके साथ साथ आप लोगों का अलग एक वो बन जाता है, क्या कहते हैं, चैट ग्रुप भी बन जाता है जिसके अंदर आप लोग इवन द आफ्टर द क्लास इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चैट ग्रुप में हेलो आप कहाँ से हो, दिल्ली से, पुणे से, गुजरात से, अहमदाबाद से, भाई तुम इसके बजाय पढ़ाई करो, ठीक है? आवाज भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि यार मैं एक बार बताऊँ, तुम लोग आपस में एक दूसरे के शहर पूछ रहे हो तो मैं देखती नहीं क्या ग्रुप में मैं भी हूँ? एनी केस, वैसे हम लोग जो फ्री वाले बच्चे हैं वो भी अपना अलग ग्रुप बना सकते हैं, वो तो मैं नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी आई एडवाइस के पढ़ाई लिखाई की स्टडी ग्रुप बनाए तो ज्यादा अच्छा, पढ़ाई लिखाई करो तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? मैं ये कह रही थी क्या एक दिन निकाल के सबके घर एक बार घूम घूम के आते हैं, तुम कहाँ रहते हो? अच्छा ठीक है, डिनर एक एक दिन एक एक घर के एक एक के घर के अंदर करके आते हैं, नहीं ना? पढ़ो ना यार, फिर लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम समझते हैं यूनिट 1, सारी यूनिट्स कराऊंगी 10 की 10, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं चाह रही हूँ आपके इस कोर्स के अंदर आखिरी वाली 3 पहले कर लूँ, क्योंकि वो हैवी है थोड़ी, हैवी नहीं मेरे से पढ़ोगे तो आसान है, आपको मजा आ जाएगा, मतलब बच्चों को हैवी लगती है, स्टूडेंट्स को, तो उनके टेंशन पहले आधे खत्म कर देंगे ना। मार्केटिंग, लीगल एंड इनकम टैक्स पहले करा के आधे ज्यादा टेंशन खत्म करा दूंगी मैं, ठीक है? बाकी अभी और बाकी सारी यूनिट्स भी होंगी। क्या कह रहे हो, पेपर 1 की क्लास रात को 9 बजे है, प्री क्लास आज। सो लिसन केयरफुली, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये यूनिट एक्चुअली एंटी ने 2 यूनिट्स को इकट्ठी करके बनाया है, ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या कहता है, ये कहता है कि हमारा जो बिजनेस है वो उसको डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट से होकर गुजरना होता है, ठीक है? अच्छा ओके, स्मार्ट बोर्ड पे क्लास अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो बस अब अपना प्लेटफॉर्म है, ठीक है? तो जो होगा बेस्ट ही होगा, मैनेजमेंट में भी यही सेम है। हाँ मैनेजमेंट में आपके 3 यूनिट्स अलग हैं, जैसे कि मार्केटिंग तो मैं करा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? और जो उसके अलावा भी थोड़ा बहुत रहेगा तो वो गौरव करा देगा। एक लीगल एस्पेक्ट, एक इनकम टैक्स और एक बैंकिंग, ये 3 यूनिट आपको नहीं करनी कॉमर्स में से, वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया हुआ है टाइम टेबल के अंदर, स्केड्यूल में आपके डाली भी नहीं है, ठीक है? आपको पूरा मैनेजमेंट का ही कोर्स मिलेगा, तो बाकी की सारी यूनिट सेम है, तो ये मैं भी करा रही हूँ और बाकी जो लेफ्ट ओवर पोर्शन बचेंगे वो तो सारे के सारे गौरव भी स्वयं भी करा देंगे, तो आपका 100% पूरा कवर हो जाएगा। समझ आ गई राहुल? कॉमर्स तो पूरा मैं ही करा रही हूँ। यूनिट कौन सा है, आप मैनेजमेंट वाले कोर्स में जाना, स्केड्यूल देखना उसमें दिखा दीजिएगा, और 7 बजे जो शाम को गौरव स्वीन के साथ आपकी क्लास है मैनेजमेंट वाले बच्चों की, तो उनसे बात कर लेना, ठीक है? तो वो आपको पूरा स्केड्यूल दिखाएंगे, समझाएंगे। चलो अभी मैं थोड़ा अपना यूनिट बता दूं, ये वाली यूनिट सेम है दोनों में। आइए, सो इसमें इस एनवायरमेंट के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे बताओ कौन सा वाला एनवायरमेंट है, ठीक है? सो सोशो कल्चर है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, टेक्निकल है, ये सब चीजें। और फिर हम बात करते हैं सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होना नहीं था, कोर्स में आना था, उधर ऊपर नीचे स्क्रॉल करके आपको दिख जाता कि कहाँ पे है लाइव क्लास, तो उस पर क्लिक करके आ जाते सिंपल, ठीक है? ओके, सो स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिर यहाँ पर आपकी सारी थ्योरीज, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, डिफरेंट टाइप ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन है कैसे, उसका एनवायरमेंट माइक्रो है कि मैक्रो है, ये सब चीजें। फिर आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, सीएसआर एक्टिविटी एंड डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के थ्योरीज आपके आएगी इंटरनेशनल बिजनेस में। और क्या आ जाएगी, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ संधियां हुई हैं, ट्रेड हुई है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग है, वो सब इसके सिलेबस में आ जाता है। देन यहाँ पे ये रहा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईएफडीआई, और जैसे आसियान, नाफ्ता, उसम का, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट, ट्रिप, ट्रिम्स, ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट यूनिट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ग्रुप में बोल रहे हैं उनको मैसेज करो, कहाँ बोल, कौन सा वाले ग्रुप में बोल रहे हैं, टेलीग्राम में बोल रहे हैं क्या? मैं एक बार मैसेज में बोलती हूँ, हेलो, आपको कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि कॉमर्स वाले कोर्स पे क्लिक किया, उसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखो, एक आ रहा होगा गो लाइव, या फिर रेड कलर का लाइव आने का सिंबल आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप लाइव आ सकते हैं। मैंने तो डाल दिया, अब बढ़ लो। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सो बेसिकली यहाँ पर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल से एग्जाम्पल आ जाते हैं। फिर एग्जाम्पल्स को या तो मैच करो, या तो ये बताओ कि एग्जाम्पल जो दिया है वो सही दिया है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से दिया है कि नहीं, ठीक है, ये सब। देन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है जितनी भी रेशियोज होती है कैलकुलेशन करने के लिए, वो आ जाती है, गुडविल कैलकुलेट करने को आती है, ठीक है। कॉर्पोरेट के अंदर आपका शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर का री इशू, अगर वो डिस्काउंट पे होता तो कैसे करना है, प्रीमियम पे होता तो कैसे करना है, प्रो राटा, ये सब, और अकाउंटिंग के थोड़े से बेसिक। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी में माइनॉरिटी का शेयर निकालने को आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रॉपर सॉल्व करने को आते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग होता है, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है ना, पीवी रेशियो वगैरह, ये सब चीजें आपके सॉल्व करने को आती है। एंड देन कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, लाइक इनोवेशन के लिए क्या होता है, आपको रेगुलरली चेंज करने को कौन कह रहा है, काइजन कहता है कि रेगुलरली चेंज करते रहो। जस्ट इन टाइम क्या कहता है कि इन्वेंट्री तभी मंगवाओ जब आपको जरूरत है, नहीं तो मत मंगवाओ। इससे क्या होगा, आपके वेयर हाउस यानी कि गोडाउन वगैरह की जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे रेशियो एनालिसिस आ जाएगा, इससे भी क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करने को आते हैं, हम करेंगे सारी चीजें। फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको पहचानना होता है कि किस वाली ट्रांजेक्शन से फंड में फ्लो होगा या नहीं, ठीक है, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, हाँ मिलती है रिकॉर्डेड। देन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड, जैसे कि जग्गी लाओ मेथड, फ्लेमिंगो मेथड, ठीक है, तो उन मेथड पे क्वेश्चन आ जाता है कि देखो जो अकाउंटिंग है ये कहता है कि मैंने एक चीज खरीदी, मैंने ये स्मार्ट बोर्ड खरीदा, ठीक है, तो इस स्मार्ट बोर्ड खरीदने के पीछे जो मैंने इन्वेस्ट किया है, मैं इससे आपको बच्चों को क्लास दूंगी और अगर आपकी फीस जो आएगी, सिंपल सी सीधी सीधी सी बात है कॉमर्स, तो यार वो फीस क्या इसके पैसे को रिकवर कर पाएगी, खर्चा तो होता है यार, बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल फ्री हो रहा है सब कुछ, फ्री कुछ नहीं हो रहा, कि स्मार्ट बोर्ड आपको दिख रहा है, ऊपर लाइटें भी लगी है, सामने कैमरा भी लगा है बड़ा वाला, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक सेटअप को करने के लिए आई है, तो भाई अकाउंट्स क्या कह रहे हैं, अकाउंट्स ये कह रहा है कि क्या मैं रिकवर कर पा रही हूँ। सिमिलरली अगर एक कंपनी किसी इम्प्लॉय को हायर करती है, तो वो इम्प्लॉय क्या उसके ऊपर ट्रेनिंग का खर्चा किया, उसके ऊपर कंपनी चलाने का लिए उसको ट्रेनिंग दिया, उसको रिक्रूटमेंट किया, तो क्या वो वाला रिकवर करके दे पा रहा है कंपनी को, ठीक है। तो वो भी एक ह्यूमन एक एसेट है, हमने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ह्यूमन को एज अ एसेट मान लिया, और देखेंगे कि वो कंपनी में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, कंपनी नॉर्मली 10% कमाती है, आज के डेट में अगर कंपनी 14% कमा रही है मार्केट से, तो बताओ क्यों, वो 4% किसकी मेहनत, एम्प्लॉय की, उसकी गुडविल की, राइट। तो ये चीजें आपकी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में देखते हैं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो आपका क्या कहते हैं जनरल प्राइसिंग, और एक है आपका स्पेसिफिक प्राइसिंग। जनरल प्राइसिंग यूएस का, स्पेसिफिक प्राइसिंग यूके का। भाई इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, अगर महंगाई आगे बढ़ रही है तो उसके बेसिस पे हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है वो सीखते हैं वहां पर, सही बात है आयुषी।
इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसमें कुछ टर्म्स है, थ्योरी है। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दोनों ही पढ़ने होते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग में वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ऑडिटर कैसे बनता है, कौन कौन ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन नहीं, ये पोर्शन आपका ऑडिटिंग में आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन गुड है, अच्छा, महंगाई अच्छी है, फिर हम इतने कम फीस में कैसे गुजारा करेंगे भाई, महंगाई बढ़ती रही तो। देखिए नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3। अच्छा पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग। नहीं भाई, अगर महंगाई की बात करें तो इसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं। अगर एक कंट्री की बात करें तो वहां से जो एक्सपोर्टर है, जो मतलब कि निर्यात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, तो उनके लिए महंगाई जो है वो बेसिकली देखो, यहाँ पे अगर रुपीस की बात करें, अगर 85 रुपीस से 1 डॉलर मिलेगा, ठीक है, अगर वही 1 डॉलर आपको 70 रुपए में मिल गया, तो यहाँ पर ये क्या फायदा है कि नुकसान है? एक्सपोर्टर के लिए नुकसान है, क्यों? क्योंकि रुपी एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट मतलब रुपी का वैल्यू बढ़ी, बट रुपी की वैल्यू बढ़ने से बाहर के लोगों के लिए ये चीज डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि रुपी हमारे लिए डॉलर सस्ता हुआ, हम इंडियन देखें तो हमारे लिए सस्ता हुआ, उनके लिए महंगा हुआ, तो उनको एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, ठीक है, उनको इंपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, मतलब कि हम यहाँ से फिर ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट उनके पास नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट गिराएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कमी करेगा। सिमिलरली अगर रुपी 85 हो गया, हमारे लिए डॉलर महंगा हुआ, उनके लिए रुपी सस्ता हो गया, यानी कि उनके 1 डॉलर में 85 के जितना प्रोडक्ट आ सकता है, जबकि 1 डॉलर में 70 आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट अच्छा रहेगा, काम करेगा, और इंपोर्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर इस वजह से कंपनियां करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे रुपी की वैल्यू गिरा देती है, डेप्रिशिएट करती है, यहाँ पर रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई। तो जैसे हम एप्रिसिएशन एंड डेप्रिशन की बात कर रहे हैं कि रुपी सस्ता हो गया या महंगा हो गया, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, और उससे दोनों इम्पैक्ट आ रहे हैं। सिमिलरली इन्फ्लेशन से भी दोनों इम्पैक्ट आते हैं। अगर कल को इन्फ्लेशन हुई तो आम जनता का दम घुटेगा, क्योंकि आप इतने में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी आज 10 रुपए की वैल्यू है, कल को वो 15 रुपए उतना ही चीज देगा, तो फिर मुझे वही 10 रुपए वाली चीज जो पहले लेती थी, आगे 15 रुपए की लेनी पड़ेगी, तो जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, राइट। इन्फ्लेशन शब्द का मतलब है मार्केट में ज्यादा पैसा घूम रहा है, फिर ज्यादा पैसा घूम रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, क्योंकि मार्केट में ज्यादा पैसा घूम रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, एक तरफ तो ये होगा, आप बोलो मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, 8% से 10% कर दिया आपकी एफडी पे, तो क्या आप एफडी करना पसंद करोगे? यस, मार्केट में जो फालतू का पैसा है वो उठ के यहाँ पे एफडी में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैं बिजनेस पर्सन हूँ, मुझे लोन चाहिए, मेरे लोन जो पहले एग्जाम्पल के लिए 12% पे मिलता था, अभी वो 14% पे मिल रहा है, तो क्या मैं लोन ले पाऊंगी? नहीं, ठीक है। तो यहाँ बिजनेस पर्सन के पास लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे 14% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मार्केट में मैं बैठी हूँ बिजनेस करने, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आप लोग जो दूसरे लोग घर पे बैठे हैं, आपके पास जो पैसा है आप एफडी में डाल रहे हो, यानी कि आप भी अपने घर से निकाल के गवर्नमेंट के बैंक में डाल रहे हो या किसी भी बैंक में डाल रहे हो, राइट। तो ये क्या होता है, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर, यानी कि मार्केट में जो फालतू का पैसा है वो कैसे पीछे खींचना है, अब आ रही है समझ। फिर हमें गवर्नमेंट आरबीआई को ये सब मेजर्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, आरबीआई को ये सब मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो दीज आर एग्जांपल कि कैसे हम इन्फ्लेशन को फिर ठीक करते हैं, पर इससे अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है, जनता का, क्योंकि इस टर्म को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। क्या बोलते हैं इसको, क्राउडिंग आउट, मतलब जो भीड़ थी बाहर चली गई। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग इंक्रीज द लिक्विडिटी डिक्रीज, यस, वेरी गुड अभिनीश, चलो ये वाली बात समझ आ गई। फिर
इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है उसके बिजनेस इकोनॉमिक्स सीधा आते हैं काम की बात करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? दूसरा डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट, इन सब का एनालिसिस हमें जब करना होता है यहाँ पर। रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर, डिमांड के अंदर आपको डिमांड को के बारे में बताना चाहिए, ठीक है? एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल लेनी चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे रीजंस, ताकि हम क्वेश्चंस कर सकें। हाँ, एडम स्मिथ एब्सोल्युटली करेक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस, जो पहले था मनी मेजरमेंट की वजह से कि भाई पैसे में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वही एक होता है, ये होता है कार्डिनल, जिसको मॉनिटरी टर्म में फाइंड कर सकते हैं कि मैंने अगर अभी आज ये पानी पिया तो मुझे कितने के सेटिस्फेक्शन दे रहा है। आप लोग अभी आज ये क्लास ले रहे हो तो आपको कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन दे रही है, राइट? एंड देन दूसरा है ऑर्डिनल एनालिसिस, जो कि इंडिफरेंस कर्व से लिया जाता है, ठीक है? ऑर्डिनल एनालिसिस, ऑर्डिनल में हम सिर्फ रैंकिंग कर सकते हैं। ये चीज बाद में समझ में आई कि भाई कैसे पता लगा दो कि पानी से इतने रुपए की सेटिस्फेक्शन हो रही है, ठीक है? क्वांटिटेटिव है बेटा, यूटिलिटी इज क्वांटी, ऑर्डिनल द इंडिफरेंस कर्व क्वाली। देन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो आपका शॉर्ट टर्म में काम करता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग टर्म में काम करता है, ठीक है? और इसके बारे में हमें सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जितने भी चार्ट है सारे चार्ट आप खुद से बना के सीख ले तो क्वेश्चन कोई सा भी आए आप एक बार चार्ट बनाओ, फटाफट फटाफट आंसर निकाल दिया। दूसरी बात, आपको सबके प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है? जित जो भी आ रहा है, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व की क्या है, आईक्यू की क्या है, राइट? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ मार्केटिंग की भी प्रॉपर्टीज, पीछे मतलब बेस है इसका प्रॉपर्टीज, ठीक है? अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज, यस। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में आपकी कितनी आती है, स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये सब चीजें आती है। देन हम आ जाते हैं अपने फाइनेंस में। फाइनेंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फाइनेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कहने के मेरी स्पेशलाइजेशन रही है फाइनेंस में, ठीक है? मेरे सब्जेक्ट तो वैसे सारे फेवरेट है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, आप तो सब में महारत हो बेस्ट पढ़ा रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, इन सब में कुछ मेथड्स आते हैं, वो सारे कुछ थ्योरीज आती है, वो सारे के सारे थ्योरीज की अगेन प्रॉपर्टीज एंड ऑल आनी चाहिए। हाँ ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डायग्राम्स आ गए ना, आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वाटर मॉडल, गॉर्डन मॉडल बेटा उसमें है, डिविडेंड में, डिविडेंड डिसीजन में। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आपको पता होना चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, क्वालिटेटिव कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, बता दोगे? अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल क्वांटिटेटिव होती है या ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये आपका होमवर्क है, आगे चलेंगे तो आ ही जाएगा। हाँ जी, एग्रेसिव क्या होता है कि ज्यादातर सारा कुछ शॉर्ट टर्म से ही रहता है। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा इन सब में यूज होती है आपकी। अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केटिंग में आपका यूरो करेंसी, जीडीआर, एडीआर, जीबीआर, एडीआर, यार हर यूनिट पे भरा है, बैंकिंग में भी पढ़ सकते हैं इसको, कॉमन है। देन इंटरनेशनल आर्बिट्राज कैसे होता है, और इंटरनेशनल में आप एडजस्टेड एनपीवी निकालते हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, ठीक है? ठीक है भाई, ये वाले जो यूनिट है ना, यूनिट नंबर 5, बिजनेस स्ट्रेटेजी स्टैटिस्टिक्स। हाँ सही कह रहे हो आप, बहुत सही कह रहे हो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स, ये यूनिट आपके पेपर 1 के लिए बहुत जरूरी है, तो जिसने ओनली पेपर 1 वाला कोर्स भी लिया है उसको भी ये यूनिट उसमें भी करवाऊंगी मैं, बहुत जरूरी है। और पेपर 2 कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, सब में जरूरी है, जिन जिन के भी पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स आती है, तो इट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टीज, डिस्पर्शन स्क्यूनेस कि पॉजिटिवली स्क्यूड है कि नेगेटिवली स्क्यूड है, उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में भी अगेन सारे प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले एक जगह अच्छे से लिखे हो, फटाफट रिवाइज हो जाता है एग्जाम टाइम पे, ठीक है? एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो कि
आएंगे ये बाइनोमियल पर पॉइजन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेस थ्योरम, ठीक है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये रहा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अनोवा काई स्क्वायर, मान विटनी टेस्ट, वाल क्रिस्कल वालिस, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये सब टेस्ट आ जाते हैं। एंड यहाँ से क्या आया था आपका, ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है जो पेपर वन के रिसर्च एप्टीट्यूड से रहता है, कोरिलेशन रिग्रेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। मतलब स्टैटिस्टिक्स शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने किसी रिसर्च को करने के लिए डाटा कलेक्ट किया तो उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका मतलब कैसे निकालेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे और उसके बाद उसके बेसिस पे फ्यूचर के बारे में आइडिया कैसे लगाएंगे, ठीक है। सैम्पलिंग भी आ जाता है, हाँ जी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके स्टैटिस्टिक्स में कवर होती है। नाउ नेक्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट, यूनिट नंबर 6, डाटा एनालिसिस का काम करते हो। जो यूनिट नंबर 6 है आपके बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें भी दो यूनिट को मिलाकर बना रखी है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या कहती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में बता रही है, और ये चीज आपको नहीं लगता हम कहीं और भी कवर कर चुके होंगे। बिजनेस एनवायरमेंट, कुछ चीजें अच्छी अच्छी भी है कि भाई एक यूनिट में कवर कर लिया दूसरे में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट से थ्योरीज आती है, और कहीं ना कहीं वही थ्योरी जो बिजनेस मैनेजमेंट की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, वही आपकी मोटिवेशन की थ्योरी में काम आ जाएंगी, ठीक, बहुत थ्योरी है। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल्सो माई मेन सब्जेक्ट, मेरे मेन सब्जेक्ट पता है कितने हैं, ग्रेजुएशन में मैंने फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेन लिए हुए थे, स्टैटिस्टिक्स वैसे ही मेरा फेवरेट है। अब बात करते हैं हम मार्केटिंग की, तो मैं अब पीएचडी कर रही हूँ मार्केटिंग में, मार्केटिंग और ऑर्गेनाइजेशन सब बिहेवियर इन दोनों के मिक्स में कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप इज द मिक्स ऑफ ब्लेंड ऑफ देम। चलिए, सो कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसमें आपका वो आ जाता है टाइप ऑफ कंपनसेशन, लाइक आपको निकालना होता है कि कौन सा टाइम बेस है, पीस वेज है ना, वेजेस टाइप, वेजेस के टाइप, बोनस वगैरह, हासिल रोवल प्लान, ये सब आ जाते हैं। अच्छा, ऊपर से हम एक बार एक चेक करते हैं, थ्योरीज ये यहाँ पर सारी, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये आपका लेबर लॉ वाला पॉइंट आ जाएगा पूरा, ठीक है, लेबर लॉ का जो एक्ट आता है उसके हिसाब से कि इधर से वर्कर की लेबर यूनियन है, वहां से ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कैसे सुलझाएंगे, सजेस्ट किया, बोला कि मैं उन्हीं से पढ़ूंगी, पढ़ रहा हूँ, हाँ, रिसर्च बेस्ड टीचर मैम आप हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर तारीफ कर रही थी, ओ थैंक यू सो मच, अपने प्रोफेसर को कहना, एंड आप अपने कॉलेज के बाकी दोस्तों को भी जरूर जोड़िए, ठीक है, क्योंकि अब तो आप हर घर JRF, हर घर नव लर्नर है ना, अब ये मुहिम है कि हर एक व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है और पढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। मेरा सस्टेनेबिलिटी जो आपका पेपर वन का पेपर एनवायरमेंट में आप पढ़ते हैं, प्लस एक फॉर्म कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करती है, मतलब मेरे जो टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आती है, ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेनर्स भी आते हैं, जैसे कि मैं खुद एक एंटरप्रेनर हूँ, और सस्टेनेबिलिटी भी आती है, ठीक है, ओके। सो पर्सनैलिटी की क्या परसेप्शन है, किस किस टाइप की पर्सनैलिटी होती है, छोटे मोटे टॉपिक है नीचे वाले, ठीक है। तो एक्चुअली ना HRM जो है वो तीन सब्जेक्ट से मिलकर बना, यहाँ पर लिखे सिर्फ दो ही है, एक तो हो गया बिजनेस मैनेजमेंट, हो गया HRM, हो गया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा चार हो गए, वो लेबर वेलफेयर वाला पार्ट भी, तो ये एक्चुअली चार सब्जेक्ट्स है एक के अंदर, ठीक है, लेबर वेलफेयर वाला पार्ट, ये रहा कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला, जॉरी विंडो वगैरह पढ़ी होगी आपने, वो OB का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट है, हाँ जी। सो अब आ जाते हैं हम बैंकिंग की तरफ, 45 मिनट से ट्राई कर रहे थे, अब हो गया, ठीक है। अरे सिंपल सी बात थी, कोर्स में आना था, कोर्स में आके ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल कर देखना था, एक जगह पे आपका दिखता रेड कलर का कि लाइव क्लास है, उस पर क्लिक करके क्लास में आ जाना था, सिंपल। तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे होगे, जो पेड स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे भी आ सकता है, उनके सामने भी दिख जाता है, जब आप जैसे कल हमारी सुबह 6 बजे और सुबह 9 बजे वाली क्लास होगी, होम पेज पे ही उनका लिंक घूम रहा होगा, फिर आप खोलेंगे ऐप, उस पर क्लिक करके आ जाते हैं। आइए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यूनिट 7 इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
अच्छा आज पार्टी थी, थोड़ा अंदर गली में आके मिला। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसा है? बैंकिंग में, फाइनेंशियल सिस्टम में वही आ जाएगा ना हमारा। बैंकिंग, बैंकिंग में कैसा है? लाइक बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, एनबीएफसी। ठीक है, रिसेंटली ये कवर भी करवाया मैंने। टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ बैंक में डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नाबार्ड, इन सब की डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो हिस्ट्री पूछ लेते हैं। बताओ क्या कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान का बैंक हुआ करता था? बच्चे परेशान, पता नहीं शायद हिस्ट्री पढ़ के नहीं गए। अब पता चला हाँ पाकिस्तान का बैंक था ये तो। भाई आजादी के बाद, हमें आजादी मिली है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। इंडिया में बाद में आया, 2 साल बाद ये। ठीक है, हाँ जी। सो फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, जैसे नरसिम्हन 1991, 1999 की 98 आई थिंक। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग में आपके लेटेस्ट फीचर्स जो आ जाते हैं, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सारी चीजें आपकी बैंकिंग में कवर अप होती है। म्यूचुअल फंड, फिर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है। अच्छा आपको दे रही क्वेश्चन में, ये गया पास आउट पलटा आपके पास। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? एक मिनट मैं आपके लिए वो देती हूँ, सेबी या फिर आरबीआई। ठीक है, एक पोल हो जाए, पोल का भी मजा देख लीजिए। पोल दिया, आप पोल वाले टैब पे जाके वहां पे पोल का आंसर कीजिए। म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? बेटा पोल में आंसर दो। एक जगह चैट का टैब दिख रहा है, ऊपर से पोल का दिख रहा होगा, वहां से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन में नहीं है, वो दे रहा है अविनेश चकमा ऑनर्स को। ओके ग्रेट, सो करेक्ट आंसर इज सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ म्यूचुअल फंड। अच्छा जी, हम जब आगे जाते हैं, इरडा इज फॉर इंश्योरेंस, पीएफआरडीए इज फॉर पेंशन एंड प्रोविडेंट फंड आल्सो, दोनों का ही। नाउ नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं हम। एक्चुअली हमारे जो इस कोर्स में पहले हम कवर करने वाले हैं वो है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, और आज भी हो सकता है मार्केटिंग मैनेजमेंट थोड़ा बहुत पढ़े। 1 घंटे 15 मिनट में अभी हम यूनिट 8 9 10 समझ लेंगे, फिर अगले घंटे हम मार्केटिंग चालू कर देंगे। राइट, सो मार्केटिंग में क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट बताता है मार्केटिंग के, डिफरेंट चैनल, मार्केटिंग मिक्स। कोई बता सकता है व्हिच, व्हाट आर द मार्केटिंग मिक्स? सबसे बड़ी यूनिट मार्केटिंग है। ओ हे भगवान, ना ना, अरे बाबा मैं पीएचडी कर रही हूँ मार्केटिंग में, मैं जरा ज्यादा हो गया। सब आसान है जब हम इतना पढ़ जाते हैं ना, तो काफी बार ऐसा होता है सारी यूनिट में हमें महारत मिल जाती है। ठीक है, मेरे साथ पढ़ो तो मैं सारी फेवरेट हो जाएंगी। 4P, इतने महान बच्चे, मैंने बोला कि मार्केटिंग मिक्स क्या, बस आ गए 4P। 4P के अंदर क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, प्रमोशन। राइट, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजिशनिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है कि हमारा प्रोडक्ट के बारे में पता क्या है, जो 4P आपने बोले ना, बस वही वही बोले 4P, अच्छे से इलेबोरेट हमें क्लियर हो जाने चाहिए। प्लेस, प्रमोशन, चैनल किस तरीके से जाएगा, ये तो हो गया मार्केटिंग का मेन पोर्शन। फिर इसके
हेलो हेलो हेलो, आवाज तो आ रही होगी शायद आप लोगों को, है ना? आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ जी, अभी दिख रही हूँ मैं। एक्चुअली दूसरा जुगाड़ लगाया अभी मैंने। अच्छा एक सेकेंड, अभी मैं देखती हूँ पुराना वाला, वो टीवी आता है कि नहीं। मेरा रूम दिख रहा है आपको? आ गया, ठीक है, हो गया। डन, नाउ अगेन कमिंग। जी हम कहाँ थे? हम थे, हाँ जी, कि इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका प्रोड्यूसर के साइड का है, उसके नीचे वाला क्वेश्चन आपका कंज्यूमर के साइड का है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं बीच में वो ऑन करने गई थी, क्या कहते हैं आपका चार्जर, तो शायद टेक्निकल वायर वायर घुस खींच गई होगी, तो माइक किसी के साथ लगा। हाँ ठीक है। ये नीचे वाला जो लॉजिस्टिक है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, राइट? ये वो अलग पार्ट हो गया। नाउ वी कम टू यूनिट नंबर 9। जो यूनिट नंबर 9 है ये कॉमर्स में है, मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है? ऐसे बैंकिंग वाली कॉमर्स में थी, मैनेजमेंट में नहीं, बाकी सारी आपके सेम थी। यूनिट नंबर 9 इज फॉर लीगल एस्पेक्ट्स, इसमें सारे लॉ के वो आएंगे, एक्ट्स वगैरह, ठीक है? क्या फ्री वाले स्टूडेंट्स इस क्लास के रिकॉर्डेड देख सकते हैं? हाँ, इस क्लास के रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। वो मुझे एक्चुअली नॉर्मली देख नहीं सकते, लेकिन वो जब ये इसकी रिकॉर्डेड आ जाएगी तो मुझे वो अनलॉक करना पड़ेगा ताकि आप देख पाओ, तो मैं अनलॉक कर दूंगी, ठीक है? खुश? ओके, नाउ लेट अस सी लीगल एस्पेक्ट्स। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्ट आते हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली पार्टीज की क्या कैपेसिटी है एंड उनकी वही आएगी। आ गया, पार्टीज की कैपेसिटी एंड ब्रीच ऑफ पार्टीज, ये सब बेसिकली आएगा, ठीक है? एंड देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में इजी है, बेलमैन प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक जैसा ही है। इनके अगर बेसिक्स पता होंगे तो आप कर पाएंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर टाइप ऑफ गुड पूछ लेता है कि कौन सी है, ठीक है, असर्टेन है कि कौन सी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर भी अगेन प्रॉपर्टी पूछता है, जैसे कि चेक हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है? और क्या होता है इसके, इनफॉर्मल लाइक हुंडी वगैरह ये सब आ जाते हैं। मैम का वर्ड, खुश, सब हैप्पी। अच्छा, अब फ्री क्लासेस होंगी, उनके पीडीएफ कैसे डाउनलोड होंगे? प्री क्लासेस देखो, बेसिकली पीडीएफ आपको पेड वाले में मिलेगी, ठीक है? हाँ जी, प्रोमिसरी नोट, यस, प्रोमिसरी नोट बचा था उसमें, वो भी और हो गया। आ गया, एक्चुअली मैं इसमें बैटरी डलवा लूंगी, मेरे को अभी पता चला इसमें बैटरी कमी हो रही है, मेमोरी कार्ड। लीगल एस्पेक्ट में आपकी क्या आती है, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट के अंदर भी आपका पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर क्या होता है, कब कब क्या क्या बेनिफिट इनको एक्स्ट्रा मिलते हैं पार्टनरशिप से और कंपनीज एक्ट की वजह से। कंपटीशन, कंपटीशन इज ऑल्सो इजी इसमें, लेकिन बहुत एक दिक्कत की बात है, वो ये है कि पेनाल्टीज बड़ी याद करनी पड़ती है, ठीक है? कंपटीशन एक्ट में पेनाल्टीज याद करनी पड़ती है। आ रहा है भाई, आ रहा है, तो वैसे व्यू दिखाई दे रहा होगा ना। एक सेकंड, मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ आपको, अगर ये अभी दोबारा मेमोरी कार्ड पर होएगा तो बाद में मेमोरी कार्ड लगा देंगे, तो भी मैं वो वाले कैमरे से पढ़ा देती हूँ। आ जाओ, ठीक है, जुगाड़ अपने पास सारे, लिसन केयरफुली। तो बेसिकली यहाँ पे आपके फिर डिफरेंट एक्ट आ जाते हैं, जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर आपको बताना चाहिए कि कैसे आप आरटीआई लगा सकते हो, आरटीआई में क्या क्या बेनिफिट है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लगा सकते हो। जैसे कि आपका क्या कहते हैं, बेसिकली पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट आप आरटीआई लगा सकते हो, प्राइवेट के लिए नहीं। गुड्स एंड सर्विसेस एक्ट आ जाता है आपका,
गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट जो है बेसिकली इसके अंदर आपके बेसिक्स ही होते हैं, ठीक है, विद इन 48 आवर इमरजेंसी है। हाँ, अगर इमरजेंसी हो तो विद इन 48 आवर्स आपको उसका रिजल्ट चाहिए। यस, तो आरटीआई के अंदर यही होता है कि 30 डेज, 45 डेज, 48 आवर्स, ठीक है, लाइफ से लाइफ का खतरा है तो यस, ये सारी चीजें याद करनी होती है। जीएसटी के अंदर आपका आ जाता है कि आईटीसी क्या होता है, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी, आईजीएसटी क्या होता है, और बेसिक्स आते हैं जीएसटी के, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं फिर। चलिए अब बता देंगे आपको इनकम टैक्स। तो इनकम, लास्ट यूनिट, दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बेसिक कंसेप्ट जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने को आया था प्रॉपर सॉल्व करने को। एग्जम्प्टेड इनकम के अंदर सेक्शन 10 वाली और एग्रीकल्चर वाली का किसी को सेक्शन पता है? एग्रीकल्चर वाली, बाकी डिडक्शन कौन कौन सी है, ATC से लेकर ATU तक, उसके अलावा और भी बहुत सारी डिडक्शन है, ये सारी एग्जम्प्टेड इनकम होती है। क्लबिंग ऑफ इनकम, इन केस आप टैक्स की चोरी करना चाह रहे हो तो क्लबिंग ऑफ इनकम आ जाएगी, ठीक है, कि एक बच्चे की जो इनकम है वो पेरेंट्स के साथ क्लब हो जाती है। एक फादर ने अपनी बहू को, फादर इन लॉ ने अपनी बहू को अगर कोई पैसा दे दिया तो वो फादर इन लॉ के साथ क्लब हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब चीजें आती है। सैलरीज का 16 से याद है तुम्हें, ठीक है। देन वी कॉल अबाउट इंटरनेशनल टैक्सेशन। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर क्या आता है? डबल टैक्सेशन और उसका अवॉइडेंस मैकेनिज्म। जैसे कि डट्टा, डट्टा पता है, इंडिया और यूएस में जैसे 15% का डट्टा है, अगर हम डट्टा वाले ऑप्शन में नहीं जाते हैं तो फिर हमें 28% के आसपास टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर हम डट्टा से जाते हैं तो डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी से जाते हैं, अगर वो वाला फॉर्म साथ में भर देते हैं तो हमें सिर्फ 15% देना पड़ता है, राइट। उसके अलावा सेक्शन 96 है और बाकी और इसी के जैसे आसपास के सेक्शन है। अच्छा, इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आर्म्स लेंथ प्राइसिंग भी आती है, 92 वाला सेक्शन आई थी। तो आर्म्स लेंथ प्राइसिंग क्या कहती है? कि अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कोई माल बेचा या खरीदा तो फिर आप किस वैल्यू पे लेंगे, तो वो आपको वैल्यूज पूछता है। वैल्यूज यानी कि इसकी थ्योरी पूछता है बेसिकली। इसके अंदर 5 मेथड्स है हमारे खुद के इनकम टैक्स के अंदर, कप मेथड, रीसेल मेथड, ठीक है, कॉस्ट बेस मेथड, ऐसे करके कुछ मेथड्स हैं। देन डिडक्शंस है, डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस है डिडक्शन आपके, एक डिडक्शन इसके अंदर, हाँ वो 82 वगैरह ये सब है। एक सेकेंड, हाँ अच्छा, इसी के अंदर है ना। सो आई कैन शो यू द यू नो स्क्रीन ऑल्सो। एक सेकेंड रुकिए, मैं दूसरी टाइप की स्क्रीन ऑन कर देती हूँ, देन वी विल टॉक अबाउट दैट। हम यहाँ पे लाइव आ रहे ना? हाँ जी, या तो करना पड़ेगा, नहीं वो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको, उससे भी हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है ना वर्चुअल कैमरा? ओके, नाउ यू कैन सी द स्लाइड्स, जस्ट वेट। अब मेरे ख्याल से कैमरा भी ठीक हो गया, तो उसी पे आ जाते हैं। हो गया ठीक। तो क्या ख्याल है जनाब का? मैम जो आज से स्टडी अच्छे से स्टार्ट करेगा उसका JRF हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है।
अच्छे स्टाफ कीजिए, आपका जरा कैबिनेट भी निश्चित है। तो गाइस ये इनकम टैक्स के अंदर वो डिडक्शन वगैरह ये सब, तो आपको सारे सिलेबस समझ में आ गए कि क्या करना है क्या नहीं। मैम मेरे नंबर पब्लिक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर सिर्फ आपको दिखता है, सब बच्चों को अपना अपना नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक दूसरे का नहीं। एक एक महान बच्चे ने अपने नाम की जगह नंबर दिख रखा है, उसके अलावा बाकी सबका अपना अपना ही दिख रहा है। जो स्क्रीन पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है वो सिर्फ अपना अपना दिख रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको जो सिलेबस समझाया है उससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि हमें एक्चुअली क्या करना है। तो एक विजन बन गया होगा आपका कि वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, साथ साथ अपना अपना टाइम निकालना और टाइम को ऐसे देखना है कि जैसे मैं नव क्लासेस ऐप में कोर्सेज में करवा रही हूँ, ठीक है, तो इन कोर्सेज की जैसे 2 आवर्स की क्लास है तो ये क्लासेस तो मेरे साथ देखनी ही है, ठीक है। और इनकी क्लासेस देखने के बाद आपको अपना टेस्ट सीरीज के लिए भी टाइम निकालना है, मैं वैसे ही करा देती हूँ, इसके अंदर बैटरी डलवा दूंगी, डलवानी पड़ेगी पीछे से बैटरी। हाँ जी, बैठने से आता है, बस वो चाहता है कि मैं बैठ जाऊं। ऐसे आ जाते हैं, अच्छा लिसन केयरफुली। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना स्क्रीन, तो इसमें समझा देती हूँ। बेसिकली सारी के सारे यूनिट्स अपन ने समझी है, अब हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 8, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। जी डू यू वॉन्ट टू स्टडी समथिंग? हाँ जी मैम, जरूरी नहीं दे रिप्लाई, हजारों करती हूँ, कौन सा देती हूँ। अच्छा मैम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? अच्छा ठीक है, तो अभी हम लोग रिप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे का, ठीक है जी। बताइए मैम, मेरे मैसेज जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं, इस बात का रिप्लाई करना था, बताओ ये कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि मैम मेरे मैसेज जा रहे हैं कि नहीं। अवनीश कुछ पूछना चाहते हो? यू कैन कम हियर, मैंने ऑन किया आपका रेज द हैंड। हाँ जी डू यू वॉन्ट टू से समथिंग? नहीं, मैं पूछ रही थी कि प्रीवियस लेटेस्ट वाला रहेगी या टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में लेटेस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है, और प्रीवियस ए क्वेश्चन जून वाले नहीं है उसमें, उससे पिछले वाले हैं, ठीक है। नहीं लेने से नहीं होगा क्यों? वो आपकी इच्छा है भैया, मैं जबरदस्ती ये थोड़ी कहूंगी होगा कि नहीं होगा, वो क्या पता आपकी किस्मत है, आप अपने आप ही कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। बट प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ जी गोलू, हाँ गुड लक मैम आज की जी क्लास के लिए, और जी अच्छा लग रहा है यहाँ पे अन्य अकेडमी से ज्यादा, क्योंकि वो ना पक गए थे देख देख के, और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है। आपका ना मेकअप जैसा फेस लग रहा है, पता नहीं किया है या नहीं, पर ऐसा लग रहा है। अच्छा, बाय। अभी जूम करके दिख रहा है कि हाँ हाँ नहीं? चलो ऐसा मिलते लग हैं। रहा है। ओके।
अच्छा कोई ना, चलो एनी वन एल्स इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग? ठीक है, जून वाले का कब तक आएगा कॉमर्स वाले की? क्या चीज कोर्स लेते तो कोर्स के अंदर तो मैं जून वाला कराऊंगी ना, ठीक है? अगर आप कोर्स लोगे तो कोर्स में मैं जून वाला कराऊंगी। अब मीश तुम्हें आना है कि मस्ती माननी है? नहीं। हेलो, हाँ जी हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैं तो डायलमा में हूँ कि अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा हूँ और इधर भी मजा आ रहा है। मैं अच्छा तो अभी अभी आपने कहा था कि सब्सक्रिप्शन ले लो, तो मैंने वहां लेके अभी स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। बहुत चलो कंफ्यूजन। देखो अपने हिसाब से, ठीक है? मैंने वहां पे भी कोर्स सारा करवाई दिए, बाकी यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर। बट वो लास्ट टाइम का कोर्स भी मेरे को ना एकदम से वो ऊपर से ही जा रहा है। अच्छा ठीक ही ना। हमारा अलग वो बन जाता है, वो ही ना कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, हमारा अलग ग्रुप बन जाता है यहाँ पर, ठीक है? जिसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, ठीक है जी? जिसमें सारे लर्नर्स होते हैं और मैं भी होती हूँ उस ग्रुप में, गए फिर एक्स्ट्रा चीजें भी हम सीख सकते हैं, बस उसको कहते हैं फिर पर्सनलाइज कोर्स हो गया ये। हाँ जी, वहां से वीडियो हटा। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, हट रहेंगे जी। निकिता क्वेश्चन बैंक 2023 वाला आ गया, इस बार अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, ठीक है? आपको मेरे को रेज द हैंड पे बोलना पड़ेगा, फिर मैं आपको पिक करूंगी तो आप आएंगे, ऐसे होता है। नहीं, लेटेस्ट वाली भी आ गई है, मैं लिंक टेलीग्राम में शेयर कर दूंगी, ठीक है? फिर यहाँ पे भी शेयर करना पड़ेगा, टेलीग्राम में शेयर किया था वैसे मैंने। आज आपकी 2023 वाली आ गई, ठीक है? अच्छा कुछ और डिस्कस करना है आपने? वैसे मैं इतनी देर तक बैठी हूँ ना, तो सामने वाला कैमरा सही चल रहा है, उधर जा रही हूँ तो वो हट रहा है। एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है? ये आपकी 2023 वाला क्वेश्चन बैंक है। अब इसका लिंक यहाँ पे आई थिंक नहीं बना है, तो फिर आप या तो इसको वो कर लेना टाइप, नहीं तो उसमें दे दूंगी टेलीग्राम में, तो उससे भी आप ले सकते हो, ठीक है? मैं दोबारा डाल देती हूँ, टेलीग्राम में डाल दिया, वहां से ले लेना एक बार, ठीक है? ओके चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो फ्रेंड, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होने वाला है? बेसिकली कॉन्सेप्ट्स, मार्केटिंग के क्या-क्या चैनल्स हैं, बुक्स, ये सब मैंने अभी ओवरव्यू तो दे ही दिया है, सो इसका बेसिक कवर कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट। मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन है फादर? पता है आपको? सामने तो है, फिलिप कोटलर। अच्छा फिर मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ कि हु इज द फादर ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट?
ये आपका होमवर्क है, थोड़ी देर में बताना, मैं अभी बता ही दूंगी थोड़ी देर में। फिलिप कॉटलर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, ठीक है, ये काफी जाने जाते हैं, सोशल मार्केटिंग वगैरह में काफी काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 2023 के हिसाब से कुछ रैंकिंग आती है गुरुज की। अरे बाबा ना, मैंने ट्रेडिशनल पूछा है, देखते हैं आप जवाब दे पाओगे नहीं, आधे से ज्यादा जनता को नहीं पता होता है। टॉप 30 की लिस्ट आती है प्रोफेशनल्स की वर्ल्ड लेवल पे। तो अभी इस वक्त जो मार्केटिंग के गुरुज हैं 1, 2, 3 लेवल पे, वाकमैन, सॉलमन एंड हिगिन, ठीक है, उससे पहले पिछले साल फिलिप कोटलर ही थे। ये नंबर वन नंबर टू की रैंकिंग हर साल आती है। एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है, परवीन इज करेक्ट हियर, मैकार्थी इज द फादर ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नाउ मार्केटिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम क्रिएट करते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट कम्युनिकेट, बताते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को। एक्सचेंज आदान प्रदान, मतलब कि मैं प्रोडक्ट दे रही हूँ, आप उसके बदले में मनी दोगे, ऐसे। तो यही चीज है, क्या मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, क्रिएट दिस ऑनलाइन नव क्लासेस प्लेटफॉर्म क्रिएटेड, देन कम्युनिकेट किया कि हेलो एवरीवन, मैंने नया प्लेटफॉर्म बनाया है, आप आके यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप इधर आ सकते हैं, इधर ये सब बताएंगे। तो ये जो एक डेमो क्लास है एक तरीके से, ये भी क्या है, कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके अलावा और क्या आया था आपके पास? एक्सचेंज आदान प्रदान। आदान प्रदान में क्या हो गया कि अब कुछ बच्चे हो सकता है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, कुछ हो सकता है आप आगे जाके लें, ठीक है, तो अब आगे और क्लासेस लेनी है तो फिर यू विल पे फॉर दिस, आई विल कीप द क्लासेस, सिंपल, ठीक है, यही चीज होती है। मार्केटिंग के कंसेप्ट फिलॉसफी से ही रिलेटेड है कि ढूंढना कि जरूरत क्या है कस्टमर की, उसको फायदा हो, हमें भी फायदा हो, इस तरीके से आगे बढ़ना। सो मार्केटिंग के कंसेप्ट है आपके रिलेटेड नीड, जरूरत, कि हमारी जरूरत क्या है। जरूरत तो भाई बहुत कुछ हो सकती है, नीड समथिंग नेसेसरी फॉर पीपल, लाइक हम हेल्दी रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, लेकिन इच्छाएं क्या है? इच्छाएं तो पता नहीं वहां पर ये हो गए कि रोज रोज हम हवाई जहाज नहीं जाए, ऐसे उठे यू करे और ऑफिस पहुंच जाए, ऐसी ऐसी ख्वाहिशें भी हो सकती है, है? लेकिन एक्चुअली उन ख्वाहिशों के अलावा डिमांड क्या है? डिमांड इज बैक बाय द मनी। डिमांड तो तब उसकी कहलाएगी कि भाई ये लेने वाला बंदा है क्योंकि इसके पास पैसा भी है एरोप्लेन का खर्च करने का रोज रोज, राइट? कंज्यूमर की नीड को पहचानना है, यस। सब्सक्रिप्शन वाले तो ये क्लास रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं ना, अगर कुछ समझ ना आए तो दोबारा देखेंगे, हाँ बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, इधर देख लो तुम। सो फ्रेंड्स, इस चीज को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि शुरू से मार्केटिंग किस तरीके से चल रहा था। पहले पहले क्या होता था कि जो जिस लाइन का बनता है वो अपने आपस में ही आदान प्रदान कर रहा है, लाइक बार्टर सिस्टम था। उसमें भी कौन सा सिस्टम था? बहुत ही सिंपल था, फिशरमैन को एक ऐसी मछली उठाई, उसने दूसरी मछली, और एक दूसरे के साथ मछलियां शेयर कर रहे हैं। हंटर ने हंटिंग वाला काम, शिकारी जो होता है, ठीक है, फार्मर ने फार्मर वाला। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको लगा कि मुझे गेहूं भी खाना है, इसको लगा मुझे फिश भी खानी, राइट, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं ऐसा। देन अब क्या हो गया, यहाँ पर सिर्फ बार्टर सिस्टम चल रहा था, यहाँ पर भी, यहाँ पे आपस में अपने आपके कम्युनिटी के अंदर, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी भी इंटरेक्ट करने लगी। अब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम की जगह पे बन गई एक मुद्रा, यानी कि मनी, जैसे पहले मेटल आया, मेटलिज्म, ठीक है, जैसे कि क्वाइंस वगैरह, सिक्के एंड ऑल, फिर उसके बाद अभी रुपी आ गया। तो अब प्रॉपर दुकानें हैं, आप फार्मर्स की दुकान अलग देखोगे, फिशरमैन की अलग देखोगे, जिधर जाना उसकी दुकान पर जाओ, उसकी चीज खरीद लो मनी के बदले में, ठीक है, यस। तुम मेरी ड्रेस देखने आयो कि क्लास लेने आयो? मैं बोलू योर टीचिंग स्टाइल इज बेस्ट, हाँ जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, पहले क्या था, सिर्फ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बाद उन्होंने, खैर मेटल तो नहीं आया था, पहले स्टोन आए थे, पत्थर वत्थर, ठीक है, उस पे कुछ बना दिया निशान कि भाई इसके बदले में मैं ये दे रहा हूँ इस टाइप से। फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी आने लगी बार्टर सिस्टम के अंदर ही। स्टोन एज आए, स्टोन एज में एग्रेरियन पीरियड था, जिसमें ह्यूमन बीइंग डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, डेवलप फैमिली यूनिट्स, कि भाई हम एक तरीके से फैमिली है, ठीक है, आपस में ही एक दूसरे को चीजें दे रहे हैं। फिर बार्टर सिस्टम में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कॉपर के कॉइन, आयरन या लेटर ऑन, जैसे अभी सिक्के विक्के चलते हैं, वो चलाने चालू कर दिए। फिर इंडस्ट्रियल पीरियड आया,
तो प्रॉपर प्रोडक्शन ने फैक्ट्री सिस्टम रिप्लेस कर दिया, फैक्ट्री सिस्टम आ गया कि अब एक फैक्ट्री में मास लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। देन तो ये कुछ इस तरीके से दौर चला है, और फिर अब अभी हम आज की दुनिया में है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड में है। तो यार जरूरतें कैसी होती है, कुछ होती है स्टेटेड नीड्स। स्टेटेड नीड्स यानी कि इनएक्सपेंसिव, मतलब मुझे मुझे क्या चाहिए, मुझे मान लो मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी कैसे चाहिए सस्ती, कोर्स कैसे चाहिए सस्ता, राइट। ऐसे रियल नीड्स विद नो ऑपरेटिंग कॉस्ट या लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, या तो मुझे हो सकता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी बहुत कम चाहिए। अनस्टेटेड नीड, एस ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यार सस्ता तो चाहिए, ये ना हो कि आज सस्ता ले और कल को रोए, यानी कि ये ना हो कि यार उसकी मेंटेनेंस ही बहुत ज्यादा हो, सस्ता भी और टिकाऊ भी चाहिए, यानी कि मेंटेनेंस भी कम हो। साथ में अनस्टेटेड, मैंने नहीं बताया कि इसके साथ मुझे क्या चाहिए, लेकिन मेरे अंदर विलिंगनेस है कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो जैसे कि अभी आपके अंदर विलिंगनेस है कि टॉप 200 वालों को कूपन मिलेगा, राइट, तो वो कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। तो डिलाइट नीड्स, वुड लाइक टू गिफ्ट, मतलब कि कुछ ऐसी चीजें जो, जैसे यहाँ पर अनस्टेटेड नीड है कि मुझे आफ्टर सेल सर्विसेज लग रही है, कि सेल्स के साथ आफ्टर में सर्विस मिले। ऐसे एग्जांपल के लिए आपको भी एक पर्सनल वो ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड हो सकता है कि जब आप कार ले रहे हैं तो एक बड़ी सी चाबी के साथ आपकी फोटो खिंचवाई जाए तो आपको डिलाइट महसूस हो रहा है, आपको स्पेशल महसूस हो रहा है, भाई ये एक्स्ट्रा चीज मैंने की है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दिया, केक दे दिया, राइट। सीक्रेट नीड्स, वॉन्ट टू सीन बाय फ्रेंड्स। सीक्रेट नीड क्या है, जल कुखड़ा बनाना दूसरों को, है मेरे पास है तेरे पास नहीं, तो वो हो गए आपके सीक्रेट नीड्स। देन तो समझ में आ गया किस किस टाइप की जरूरतें होती है अपने पास। एक तो मैंने बयान कर दी, एक उसके अलावा भी मुझे कुछ और चाहिए, ऐसी चीजें जो मैं बोल नहीं रही लेकिन मैं एक्सपेक्टेशन लगा रही हूँ, और ऐसी चीजें मैंने सोची नहीं थी मुझे एक्स्ट्रा मिल गई फ्री में, ठीक है ऐसा। हाँ, नाउ नेक्स्ट इज, अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट लेवल पे। तो प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू मार्केट टू सेटिस्फाई नीड और वांट। प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो कि मार्केट को ऑफर की जाएगी ताकि उनकी जरूरतें सेटिस्फाई की जा सके। मार्केटर ऑफर यूज एक्सप्रेशन गुड और सर्विसेज, मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट, जनरली अगर मैं बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट या सर्विस दोनों इसमें आएंगे, क्लियर, दोनों ही इसमें आएंगे। वट इज वैल्यू, आपने जैसे ये कोर्स लिया तो आपके लिए इसकी क्या अहमियत है, अभी वैल्यू आएगी सिर्फ जब हम ये कोर्स की क्लासेस कर लेंगे, तो आप उन क्लासेस से कितना सेटिस्फाइड है वो उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, राइट। आप जब पीडीएफ लेंगे ना बेटा जी, पीडीएफ में, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है, तो इंग्लिश अगली स्लाइड हिंदी में है, उसके घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बोल तो हिंदी में रही हूँ ना, कहीं दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, चैट में पूछ सकते हैं, राइट। एक्सचेंज मतलब मैं अगर सर्विसेज दे तो उसके बदले में कुछ लूंगी। थॉट का मतलब कि उस प्रोडक्ट से मुझे क्या चाहिए, मैं उसके बारे में मेरे क्या विचार आते हैं, बेनिफिट। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, अल्टीमेटली एक दूसरे का फायदा करना, एक दूसरे को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। सो मार्केटिंग फंक्शन क्रिएट टाइम प्लेस एंड ऑनरशिप यूटिलिटीज। सो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये समझना है कि फॉर्म कन्वर्जन, फॉर्म मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, अगर ये वाटर बॉटल बने तो कहीं ना कहीं पहले एक प्लास्टिक का टुकड़ा होगा, प्लास्टिक को सांचे में डाला होगा इन्होंने और उससे वाटर बॉटल बनाई होगी, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ कि उसके रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कन्वर्ट करने का जो फॉर्म में लेकर आए हैं हम उसको कहते हैं फॉर्म। जैसे कि बहुत सारे इंग्रीडियंट इकट्ठे करके पिज्जा बनाया, तो ये किसका हिस्सा है जी, ये हिस्सा है हमारे मार्केटिंग में प्रोडक्ट का। देन टाइम, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन कंज्यूमर वांट देम। अब एग्जाम्पल के लिए आपका पेपर आ रहा है, एग्जाम, एग्जाम से पहले पहले आप लोगों को कोर्स की जरूरत थी, अगर मैं अभी नहीं लाई, मैं कहूँ एग्जाम से दो दिन पहले या कुछ दिन पहले अभी कोर्स ले लो 3 महीने का, क्या फायदा, क्या यूज है तब? यूज तो तभी होगा ना जब उसका बेसिकली हम देखेंगे, ठीक है, अभी आ जाएगा नेटवर्क, नेटवर्क नहीं वीडियो ही गई है बस।
आगे चल रही हूँ, एक सेकंड आ गया। हाँ बस नहीं काम था इसका, एक सेकंड का। सो फॉर्म बन गया। फॉर्म के बाद हम आते हैं टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हमें प्रोडक्ट चाहिए अभी, एंड देन प्लेस। प्लेस कैसे? अब मुझे पता है कि मेरी सारी जनता ज्यादातर बिखरी हुई है, यानी कि दिल्ली में मेरे घर के आसपास नहीं रहती, तो मेरे लिए प्लेस क्या सही है? वर्चुअल, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास निकाल दी ऐसा। देन उसके अलावा फिर आती है आपकी ऑनरशिप, कि ये चीज अगर मुझे मिली तो ये मेरा हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ ये मेरी वाटर बॉटल है, कंपनी की नहीं, मेरी, क्योंकि मैंने खरीद ली, ठीक है। तो दिस इज ऑनरशिप, कि मैंने आपको पेमेंट दिया, ये चीज अब मेरी हो जाएगी, तो उसका ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, ठीक है। सो सेलिंग कंसेप्ट होता है ब्रॉडली, और एक मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। सेलिंग कंसेप्ट में सिर्फ यही होता है, फैक्ट्री में बना और फैक्ट्री में खत्म हो गया और उसको बेच दिया, उस बेचने में ध्यान होता है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम से जनरेट करते हो कि ज्यादा से ज्यादा बिके और प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो। वही अगर मैं मार्केटिंग की बात करूँ तो मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ये बड़ा है, ये मार्केट प्लेस से शुरू होता है, हमारी फैक्ट्री से नहीं। ये मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए पहले ये समझते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से कस्टमर की क्या जरूरतें हैं, और हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम ओवरऑल हर जगह पे हर एक व्यक्ति को समझ हो कि एक्चुअली हम बना क्या रहे, हर एक पर्सन के अंदर वैल्यू हो, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। एम्प्लॉय को भी अपने प्रोडक्ट की कद्र हो, ये नहीं कि यार ये तो बेकार चीज है हम तो लेंगे नहीं, हम तो दूसरे वाले की लेंगे, खुद तुम्हारे उसमें अहमियत नहीं है, बल्कि हम कस्टमर को कह रहे हैं बहुत बेस्ट चीज है। एंड प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फेक्शन, और आप प्रॉफिट जनरेट कैसे करते हैं यहाँ पर सेटिस्फेक्शन के लिए भी, ठीक है। रेज द हैंड में नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं निकिता, देयर इज ऑप्शन, यू कैन कम, तभी तो मैं उठाऊंगी ना। रेज द हैंड के अंदर ऑप्शन है, चलिए। सो टोटल यहाँ पर कुल मिला के 5 मार्केटिंग के कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट नंबर 1 प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। मैंने आपको पिक किया था फिर आप लेकिन बोले नहीं कुछ। देखिए ये पूरा युग चल रहा है, जब प्रोडक्शन एरा चल रहा था ना तब पता क्या हो रहा था, तब फैक्ट्री सिस्टम आया था। मतलब अभी हमने बताया जैसे कि स्टोन एज के बाद आपका प्री इंडस्ट्रियल, फिर इंडस्ट्रियल, राइट। तो इंडस्ट्री में क्या हुआ कि इतनी सारी फैक्ट्रीज बन गई। मैं एक बार देखती हूँ उसके आगे क्या है, यही बताती हूँ। कंज्यूमर फेवर प्रोडक्ट दैट इज अवेलेबल, मतलब फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन चल रहा था। ये वो युग था जब मास प्रोडक्शन चल रहा था, मास प्रोडक्शन। और कंपनी ये सोचती थी कि जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है और जो सबसे ज्यादा सस्ता है, क्योंकि मास प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क में प्रोडक्शन, सस्ता, अफोर्डेबल, जो जितना सस्ता उतना खरीदेगा। लेकिन इससे हुआ क्या, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी पे ध्यान गया। बट अगर इतना ज्यादा इतना कितनी देर तक जनता झेलेगी तुम्हारा घटिया प्रोडक्ट, राइट। अगर वो प्रोडक्ट पे धीरे धीरे ऐसा युग आया कि अब जो वो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देने लग गए, वो ये कह रहे, ये नहीं कह रहे हाँ ये अवेलेबल मैं ये ले लेता हूँ, आंख नहीं बंद, उनकी आंखें खुली हैं अब, ठीक है। धीरे धीरे क्वालिटी पे ध्यान देने लग गया। तो फिर आया प्रोडक्शन एरा के बाद प्रोडक्ट एरा, मतलब प्रोडक्ट वाला टाइम पीरियड। प्रोडक्ट टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये समझ में आया कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट फेवर करता है जिसकी क्वालिटी भी है साथ साथ। इज दिस क्लियर? अब सिर्फ बल्क नहीं, अब सस्ता नहीं, सस्ते के साथ क्वालिटी चाहिए। अब आप बताओ, आपको सस्ता दे रहे तो इसका मतलब अगर क्लास ही ना हो, कभी आ रहे कभी जा रहे तो फिर वो बेकार है ना। लेकिन अगर पूरा शिद्दत से उससे ज्यादा अच्छा मिले तो फिर हम तभी तो उस चीज को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर उस चीज के पीछे पड़ा, उसकी आंखें भी खुल गई, उसकी खुद की वॉइस भी निकल गई, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव फीचर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो गुड प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा ये सोचा जाने लगा। रुको रुको रे बाबा, अभी भी हमें पता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नया नया हुआ है, और इस चक्कर में इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना देते हैं तो अपने आप बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये ऐप अच्छी बना देती और आपको ना बताती तो क्या आप यहाँ पर पहुंचते? नहीं पहुंचते। यहाँ पर फिर दिक्कत आ गई, कमियां ढूंढो ना, एक एरा में कमी क्या है, फिर दूसरा एरा आएगा। दूसरा एरा सेल्स वाला क्यों आया? सेल्स वाला इसलिए आया कि भाई एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, जनता को बताओगे नहीं तो क्वालिटी लेकर क्या करोगे तुम,
तुम्हारा प्रोडक्ट फिर तुम्हारी फैक्ट्री में धरा का धरा। मेरा प्रोडक्ट मेरे ऐप के अंदर ही पड़ा रहता, किसी को पता ही नहीं होता कि भैया जनता यहाँ तक पहुंचेगी कैसे। तो फिर नया युग जो आया वो सेल्स का आ रहा था। सेल के कहता है कस्टमर तब बाय करेगा अगर वो क्वालिटी है, प्लस उसको पता तो हो यार, कम्युनिकेट तो करो, एडवर्टाइज तो करो। पर इधर दिक्कत आने लग गई, एडवर्टाइजमेंट का दौर इस कदर चढ़ा कि धीरे धीरे क्वालिटी होने लग गई डाउन, एडवर्टाइजमेंट 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 करने लग गए। तो भाई जैसे अभी कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म वाले कर रहे हैं कि भाई हम तो एडवर्टाइजमेंट में चला लेंगे, तुम निकलो यहाँ से क्वालिटी वाले। भाई उन्हें ये नहीं पता जनता आज भी क्वालिटी मांगती है, राइट। सेलिंग वाले में क्या हुआ कि अब वो एडवर्टाइजमेंट में लग गए, लेकिन अब जनता फिर बेवकूफ नहीं है, ठीक है, कि ये ना हो कि घटिया क्वालिटी की बस ऐड हो तो हम बस ऐड में दिख रहा तो ले लेंगे क्या। नहीं, अभी जनता को समझ में आने लगा। तो अब आए हम मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग वाले क्या कर रहे हैं, फोकस द नीड ऑफ टारगेट मार्केट, कि टारगेट की जो मार्केट है उसकी जरूरत क्या है। मुझे यह पता है कि मैं क्या पढ़ाती हूँ, मेरे लर्नर को क्या चाहिए, मैं अपने लर्नर के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ कि नहीं, आप मेरे से डायरेक्टली एसोसिएटेड हूँ। अब ये बीच के सारी चीजें हट गई। तब अब जो आपके पास आएगा वो आपके हिसाब से आएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा पर्सनलाइज। यानी कि अब आपको समझना पड़ेगा मार्केट में क्या चाहिए, कस्टमर की जरूरत क्या है, उसको समझो, डायरेक्टली लिंक करो यार। जब कस्टमर को समझेंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, देन दैट विल गेट, यू विल गेट। तो क्या क्या, कंज्यूमर इज द किंग। अब कंज्यूमर किंग बन चुका है, अब आप सब किंग हो, राइट, आप सब मेरे किंग हो। लेकिन यार इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि सिर्फ आपको किंग बना के आपके हिसाब से बोल देने से कि ये कोर्स निकाल दिया चलेगा नहीं, आपकी आवाज तो उससे भी ज्यादा बुलंद है। तो अब मुझे करनी पड़ेगी रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग शब्द का मतलब ये हो गया कि कस्टमर को आप क्वालिटी भी दे रहे हो, ठीक है, आपने एडवर्टाइज भी करा, आप कस्टमर को किंग बना के कस्टमर के हिसाब से समझ लो कि इसको ये चीज चाहिए, 2 महीने के अंदर कोर्स कवर चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, इसको प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन यहां तक बात नहीं बनती। सेटिस्फेक्शन तो तब होगी जब कोर्स लेने के बाद भी आपके पास इंटरेक्शन का मौका होगा, कोर्स लेने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम्स फर्दर आ रही है वो सुलझाई जाएंगी, राइट। तो वो हुआ कि आफ्टर सेल सर्विसेज आल्सो इंक्लूड। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर को सिर्फ कोर्स बेचने तक का या प्रोडक्ट बेचने तक की जिम्मेदारी नहीं है, उसके पास उसको आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलनी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी मिलना चाहिए। यही एक रीजन है जिसकी वजह से अगर मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया और आज भी आप मेरे साथ खड़े हो और ये क्लास ले पा रहे हो, राइट। ये हो गई होलिस्टिक मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से आफ्टर भी जुड़े हुए हैं। वो पहले वाली बात तो खत्म ही, अभी वो आया था अनिश, वो कहता कि वहां पर था, अभी यहाँ भी मन कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है हम लोगों का, राइट। इसलिए एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज मैटर करती है रिलेशनशिप मार्केटिंग के। तो प्रोडक्ट एरा में क्या था, कॉस्ट कट की जा रही थी, प्रोडक्शन मैक्सिमम किया जा रहा था, प्रोडक्शन में गुड प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा यार। सेल्स ले गया था, सेल्स इज लाइंग द बेड फॉर कस्टमर, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि बिक्री ग्राहक के लिए चारा है, मैं तो बस एडवर्टाइज कर दूं, चारा दूं और तुम आ जाओगे अपने आप। आगे मार्केटिंग आया कि कस्टमर ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेगा, उसको सब कुछ समझ में आता है आज की डेट में, आपको कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, राइट। फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना है, फिर आया आपका होलिस्टिक। होलिस्टिक के अंदर टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में, एक आपका जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज बनाती है, उसके बारे में इच्छा होनी चाहिए कि यस आई वांट टू प्रोवाइड दिस, राइट। हाँ जी, यहाँ सब्सक्रिप्शन की इच्छा है पर इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन बेस्ड मार्केटिंग एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग, जो ट्रांजेक्शन होती थी वो शॉर्ट टर्म रहेगी भाई, लेकिन रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग टर्म टिकी रहेगी। मेक द सेल्स, यहाँ से आप कस्टमर को रिटेन करके रख सकते हो, सिर्फ बेचना जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको, मैंने सिर्फ बिकवा के पिछली टाइम पीरियड्स में कुछ ना दिया होता तो आप अगली बारी में सोचते नहीं, लेकिन आप आज एटलीस्ट सोच तो रहे हो ना, क्यों सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को रोकने के लिए पूरे ऑलरेडी एफर्ट किए जा चुके हैं, है ना। नवदीप कौर का ऑलरेडी नाम बना हुआ है और उसका काम बोलता है, उसका सक्सेस रेट बोलता है। तो ये चीज है,
यहाँ पे आपका कस्टमर की सर्विस प्रायोरिटी कम होती है, इधर सर्विस प्रायोरिटी इज हाई। डिग्री ऑफ कस्टमर कमिटमेंट, कस्टमर भी कमिटेड है, कस्टमर भी यू नो हमारे साथ है, यहाँ पे कम है एक्चुअली, अब कस्टमर हमारे साथ है ज्यादा, ठीक है। लड़ाई झगड़े कम होंगे, यहाँ पे कॉपरेशन होगा, ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा एक दूसरे के ऊपर। आइए नेक्स्ट इज मार्केटिंग फ्रेमवर्क। मार्केटिंग फ्रेमवर्क के अंदर क्या आते हैं, बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट मार्केट कौन है अपनी ये पता होना चाहिए, और मार्केटिंग मिक्स के 4P को फॉलो करने का है। सो देखिए यार, ये चीज हर जगह काम आते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट में भी, इसमें भी। ये हमारी टारगेट कस्टमर है, टारगेट कस्टमर को प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन देना है, तो ये हो गए 4P, ठीक है। और उसके बाद हमारे मार्केट का क्या एनालिसिस है, कैसे उसको लागू करना है, प्लानिंग, कंट्रोल, ये सारी चीजें। और यहाँ से भी हमारे कंपनी का बीच में बिचौलिए, रिटेलर, होलसेलर वगैरह, थोड़ी देर सुनो समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा। सप्लायर, सप्लायर के बाद पब्लिक, पब्लिक के बाद कंपटीटर, यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, ये वाला डायमंड रोड पोर्शन, ये आपका माइक्रो में आता है। मेरे से डायरेक्टली लिंक्ड जो भी है वो मेरे माइक्रो में आएंगे, ठीक है। मैक्रो में क्या जाएगा, मैक्रो में जाएगा सोशल कल्चर, थोड़ा सा दूर हो गए, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब कि पर्सन रिलेटेड, एक पर्सन की एज क्या, इनकम क्या, एजुकेशन क्या है, ठीक है, उस सोसाइटी की वो चीज। एंड देन पॉलिटिकल, लीगल एनवायरनमेंट कैसा है उस कंट्री के अंदर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब चीजें आपकी एक्सटर्नल आ जाएगा। पेस्टल जो है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, लीगल, ये कहाँ आता है, ये आपका अनकंट्रोलेबल हो गया, मैक्रो में आ जाएगा। माइक्रो में इसके अंदर का हमसे डायरेक्टली लिंक्ड वाले सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर 5C आते हैं। क्वेश्चन ना बड़ा पूछता है कि ये जो 3C थे पहले, बाद में 5 किए गए, ठीक है, ये 5C एनालिसिस किसने दिए। क्वेश्चन का आंसर है कैनिची ओमे ने, ठीक है, कैनिची ओमे ने दिए। तो है कौन ये, ये है आपके कस्टमर, आप लोग, कंपनी नवक्लासेस, नवक्लासेस इज ऑल्सो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नवक्लासेस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करेंगे, एंड कॉन्टेक्स्ट, मुद्दा क्या है, ठीक है। सो उसके अलावा अगर हम ये सी को अपना ध्यान में रखते हैं, मुद्दा क्या है, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट टुडेज क्लास, अगर मैं अपनी मार्केटिंग की बात करूं तो हमारा कॉन्टेक्स्ट अभी क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज यूजीसी नेट जेआरएफ अभी इस वक्त, है ना जी, आइए, और ऊपर से उसमें भी कॉमर्स, तो ये समझ में आ गया। कोलैबोरेट मतलब एक दूसरे से हम एक कोलैबोरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एसटीपी, एसटीपी का मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो मतलब अपना जो प्रोडक्ट है, पहले देखो कि कौन कौन सा सेगमेंट है। मेरे पास सेगमेंट एजुकेशन का भी था, फैशन का भी था, और चाइल्ड केयर, मैन वीमेन, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो दुनिया भर का होता है, ठीक है। लेकिन उसमें से मेरा टारगेट क्या है, उसमें से टारगेट है अपना एजुकेशन। एजुकेशन में भी मैं अपने आप को कहाँ पोजिशन कर रही हूँ, यूजीसी नेट के लिए कुछ बोलेंगे तो नव क्लासेस, तो वो अपना हो गया टारगेट ऑडियंस इज एजुकेशन प्लस यूजीसी नेट। एंड यूजीसी नेट का मतलब मैं अपने आप को पोजीशनिंग कर रही हूँ कि हर घर नव लर्नर और हर घर जेआरएफ। तो मैंने अपनी पोजीशन ऐसे बनाई है कि इफ यू स्टडी फ्रॉम मी यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग एडवांटेज, राइट। तो ये मेरी पोजीशनिंग हो गई, सिंपल, राइट। अब हम आ जाते हैं मार्केटिंग मिक्स की तरफ। तो जो मार्केटिंग मिक्स है उसके अंदर आपके पास 4P होते हैं, 4P में प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। लेकिन यार हर लेवल पे हमें प्राइसिंग को ध्यान देखना है, क्योंकि प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ तो उसका कॉस्ट कितनी आ रही है, प्लेस उस जगह तक पहुंचने का डिलीवरी चार्जेस, और प्रमोशन आपका, प्रमोशन में एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ रही है, कुछ भी करना पड़ रहा है, उसका चार्जेस, इन सब को मिला के मेरा प्राइसिंग आएगा। जो ये प्राइसिंग है इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखना है। लेकिन यार इस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रखते हैं वाइस डिसीजन है, ये सारे खर्चे भी निकलना है और प्रॉफिट भी हो, राइट। हाँ अभी आ रहे बेटा। तो कस्टमर को एक्वायर करना है इन सर्विसेज पे, और कस्टमर को रोक के रखना है और प्रॉफिट भी निकालना है, ये हमारा पूरा मार्केटिंग का ओवरव्यू होता है, ठीक है। सो 5C की बात अपन ने कर ली, कि कॉन्टेक्ट क्या होता है, कंपनी, कॉम्पिटिटर, कस्टमर एंड कोलैबोरेशन। कॉन्टेक्ट मतलब कि डेमोग्राफी क्या है, कि हमारा जो अभी इस वक्त यूजीसी नेट है कौन देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स देते हैं, इकोनॉमिक
कि कितना खर्च कर सकते हैं, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट क्या, एजुकेटेड वर्ल्ड है भाई, प्रोफेसर बनना चाहता है, पॉलिटिकल कमिटमेंट एजुकेशन के बारे में कैसा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आती कि नहीं आती इनको, ये सब चीजें आपके कॉन्टेक्स्ट आ जाएंगी। उसके अलावा कंपनी बिजनेस मॉडल कैसा है, कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कैसी है, हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, ठीक है, एडवांटेजेस हमें कितने मिलेंगे अगर आप नव क्लासेस से जुड़ेंगे तो, कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर की रैंकिंग में हम कहाँ स्टैंड करते हैं हमें पता होना चाहिए, कैसे कैसे स्ट्रेटेजीज हैं, समझ में आ रहा है बेटा? अगर लगेगा कि और डिटेल में बताओ तो पूछे ना, बट मुझे लगता है बहुत बेसिक है इसमें अभी इस वक्त तो डिटेल की जरूरत है नहीं, फिर भी आपके पास चैट ऑप्शन है, आपको मुंह खोलना पड़ेगा, मेरे को अपने आपके अंदर घुस के दिखाई नहीं ना दे रहा। कॉन्टेक्स्ट कॉम्पिटिशन कोलैबोरेशन कस्टमर, यस, कोलैबोरेशन में क्या आता है कि जो सप्लायर है उसके साथ और को ब्रांडिंग कैसे हम कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, जैसे कि मैं अभी आपको लर्नर्स को बोलूँ कि एटलीस्ट अपने सारे फ्रेंड्स को बताना कि नव क्लासेस ऐप आ चुकी है, तो आप साथ मिलकर करिए फिर ब्रांडिंग, राइट? देन कस्टमर, कस्टमर की क्या जरूरत है, क्या क्या डिसीजन मेकिंग है, ये सब किस बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। आगे कौन था वो, नील होपर वॉर्डन। नील होपर वॉर्डन एक अमेरिकन अकेडमिक था जिसने प्रोफेसर के रूप में सर्व किया हार्वर्ड में, और उन्होंने मार्केटिंग मिक्स का शब्द निकाला था, ठीक है, नील होपर वॉर्डन ने मार्केटिंग मिक्स का शब्द निकाला था। तो ये एक मेरा चार्ट है जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, कॉमर्स की बुक में भी मैंने दिया हुआ है। नील होपर वॉर्डन ने मार्केटिंग मिक्स निकाला, प्रोफेसर जेम्स क्लिटन ने क्या किया, फिर क्वेश्चन आ जाते हैं, 1948 में अमेरिकन हार्वर्ड प्रोफेसर थे ये भी, जेम्स क्लिटन फर्स्ट प्रपोज द कांसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स नाम का एक वर्ड होता है, इसकी बात करें, लेकिन इस मार्केटिंग मिक्स में 4P आएंगे, कौन बोला, वो बोले जेरोम मैकार्थी, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के फादर भी हैं। जेरोम मैकार्थी ने बोला भाई मार्केटिंग मिक्स में 4P आते हैं। बूम्स एंड बिटनर ने क्या किया, इस 4P के साथ 3P और बता दी, सर्विस के बारे में बता दिया। तो इन सर्विस मार्केटिंग देयर आर टोटल 7 P's, 4P प्लस उसके साथ प्रोसेस पीपल फिजिकल एविडेंस, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने स्पष्ट रूप में समझ में आ गया आपको कि किसने क्या बोला। अधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इधर का उधर का इधर करते रहते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में आपको सबको पता है कि 4P आते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। प्राइस मतलब कितने का चीज बेचना है, प्रोडक्ट क्या बेचना है या सर्विसेज भी आ सकती है प्रोडक्ट में, प्लेस आपको कहाँ भेजना है और कैसे भेजना है, सप्लाई चेन भी आएगा इसी के अंदर, और प्रमोशन मतलब इसको कस्टमर को बताएं कैसे यार कि ये चीज भी है यहाँ पर, ठीक है जी। आ तो रही आवाज, आ रही है, ठीक है, इसको इतना डिटेल में अभी करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो 4P के साथ अपने पास कंसेप्ट आता है 4C का। 4C के अंदर आते हैं टोटल डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, अलग अलग लोगों ने 4C अलग अलग तरीके से दिया, जैसे कि लाउटरबोन ने 4C जो दिया है वो है कस्टमर कॉस्ट कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, कि हमारा कस्टमर कौन है हमें ये पता ना चाहिए। कॉस्ट बहुत सिंपल है आपको समझना है, तो कस्टमर यानी कि ठीक है, कस्टमर आपका एक आगे दिखा दूंगी, कॉस्ट मतलब प्राइस, ठीक है, कन्वीनियंस मतलब कि आपको प्लेस, कन्वीनियंस एंड कम्युनिकेशन मतलब प्रमोशन, कस्टमर प्रोडक्ट, हाँ मैं ये कहूँगी जिसकी जगह दिया हुआ है, कस्टमर प्रोडक्ट की जगह दिया हुआ, ठीक है, कन्वीनियंस मतलब प्लेस, क्योंकि प्लेस सही जगह पे मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो चीज मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, 4P को ही 4C के रूप में दिखाया। अब आपको समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट किसको चाहिए, कस्टमर को, प्राइस का मतलब ये कस्टमर के बिहाफ पे कॉस्ट होगी, ठीक है, और प्रमोशन का मतलब कि मुझे कम्युनिकेट करना है, एंड प्लेस का मतलब इजीली उसके पास उसकी जगह पे चीज पहुंच जाए, ऐसा। देन शिमिजो 4C बताते हैं आपको, यही 4C की डेफिनेशन लाउटरबोर्न ने ये दी है, शिमिजो ने ये दी है, ठीक है जी। शिमिजो क्या कहते हैं कि कॉमोडिटी एक प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस पे, कम्युनिकेशन यानी कि प्रमोशन चैनल। तो इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है प्रोडक्ट की जगह कॉमोडिटी एंड कन्वीनियंस की जगह चैनल वर्ड यूज किया गया, अंदर वाले दो सेम है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला किसने दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट की जगह कंज्यूमर, प्राइस की जगह कॉस्ट, इधर अंदर का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है।
प्रमोशन की जगह कम्युनिकेशन एंड पेस्ट की जगह कन्वीनियंस, आसानी से प्रोडक्ट वहां पर मिल जाए। अब आते हैं शिमू जी का कंसेप्ट। ये जो शिमी जो है ना, इन्होंने 4 सी तो दिए लेकिन टोटल एक्चुअली ये 7 सीज मॉडल था, कंपस मॉडल। और जो कंपस मॉडल था इसमें उन 4 के साथ साथ बेसिकली ऐसे किया, इन्होंने हर एक चीज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के रूप में बताई है। ठीक है, बस ये लास्ट कंसेप्ट है, देन वी विल वाइंड अप। थोड़ा सा इधर स्टडी कीजिए क्योंकि 4P, 4C और 7C ये खत्म हो जाए, फिर हम इसको सही मुकाम पे लाकर वाइंड अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी नंबर 1 ये किसके लिए है आपका? इसके अंदर बेसिकली 4C ही है, कोर ऑफ 4C इज कॉर्पोरेशन। सी नंबर 1 इज कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी, जैसे नव क्लासेस कंपनी। और इसके अंदर और क्या आता है? COS, कॉम्पिटिटर ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर। कॉम्पिटिटर इस कंपनी का, कॉम्पिटिटर इसका कौन है? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन खुद। स्टेक होल्डर किसी भी व्यक्ति का इस चीज का इसके अंदर इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, नव क्लासेस कंपनी के अंदर कस्टमर यानी कि स्टूडेंट्स, इसके कॉम्पिटिटर्स एंड गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट ने वो लेना है टैक्स, राइट? तो ये सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा, तो ये तो C1 हो गया। C2 में प्रोडक्ट की जगह कॉमोडिटी वर्ड यूज किया गया है, C3 में कॉस्ट प्राइस की जगह पे, C4 में प्रमोशन की जगह कम्युनिकेशन वर्ड यूज किया गया, प्लेस की जगह चैनल, C5 हो गए, 2 बच्चे हैं। आज बस यही लास्ट है, ध्यान से देखिए क्या हुआ। बोलू मैम, कॉस्ट अलग है C2 से, C1 के अंदर है कॉस्ट। ठीक है, कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके कॉम्पिटिटर होते हैं और स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आइए C6 है कंज्यूमर। कंज्यूमर को भी इन्होंने कंपस मॉडल में डाला। कंपस पता है तुम्हें, जिससे हम दिशा देखते हैं ना, वो निडल। तो उसके अंदर आपका आता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ से निकाला एन से नीड, कस्टमर की जरूरत होती है, एस साउथ में डाल दी सिक्योरिटी, ठीक है, एंड ईस्ट ई से बना दिया इन्होंने एजुकेशन, एंड डब्ल्यू वॉन्ट, ठीक है, कस्टमर को सिक्योरिटी भी चाहिए और साथ साथ उसको बताना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड उसकी खुद की भी जरूरतें होती है। ठीक है, ट्रिक की तरह बनाया, यस यू आर करेक्ट। एंड सर्कमस्टांसेस, माहौल, सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस में क्या आता है? नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सर्कमस्टांसेस। एक मिनट, तुम्हें इसमें आवाज तो आती है ना, हल्का सा ब्लिंक कर जाता तब भी, ठीक है। नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सर्कमस्टांसेस हैं? सोशल कल्चर लेवल पे, जैसे कि आजकल कुछ, जैसे कि अभी कल गांधी जयंती है ना, तो ये सब नेशनल लेवल पे सर्कमस्टांस क्या है, एंड सोशल लेवल पे हमारा कल्चरल आ जाता है कि कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक आर्थिक रूप से। जैसे कि अभी मैं स्टूडेंट्स को, कस्टमर को समझ सकती हूँ कि दे सम स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी हैविंग यू नो दैट प्रीवियस प्लेटफॉर्म, तो आपके पास मैंने सारा कंसेप्ट वहाँ पे कवर अप करवा रखा है ना, तो यू हैव रिकॉर्डेड ऑफ दैट। बट इफ समवन इज न्यू और या फिर उसको नया लेना है ना, देन ले सकता है, देन यू कैन डेफिनेटली कम टू नव क्लासेस प्लेटफॉर्म। तो आप नव क्लासेस में नहीं बोले आ भी सकते। तो ये क्या होगा? आर्थिक कंडीशन। उसके बाद वेदर, मतलब मौसम कैसा है, ठीक है, उसके हिसाब से अम्ब्रेला बिकेगी कि क्या बिकेगा वो भी हम देखते हैं कि सर्कमस्टांस, माहौल कैसा है, माहौल के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी क्या बिकने वाला है और क्या नहीं। ठीक है जी, सो फाइनली ये हमारा हो गया 4C। बाकी डिजिटल मार्केटिंग वगैरह अगली क्लास में करेंगे। आर यू रेडी टू डू दैट इन टुमोरोज मॉर्निंग क्लास? ठीक है, वी विल डेफिनेटली डू इट। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, डेमो तो आपने ले लिया जो फ्री क्लास था, है ना, इसका लिया। इसके बाद रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी बच्चों ने डेमो लिया है, कृपया करके अपने रिव्यूज नव क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना और रिव्यू जरूर डालना, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आता ना रिव्यू करना, आपको प्ले स्टोर पर जाना, नव क्लासेस सर्च करना और फिर रिव्यू जरूर करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना कि यस वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सारी क्लासेस होने वाली है, ठीक है। सो इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑल्सो, चैट का ऑप्शन भी सभी को वैसे मिला हुआ है वैसे तो, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।
मीट यू सून। अब रात को 7 बजे तो मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स की क्लास है, ठीक है, और फिर जो गौरव लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कराएंगे, वो सभी देख सकते, देखना है तो। रात को 9 बजे मेरी क्लास है पेपर वन की, तो पेपर वन में आते हैं, अच्छे से मिलते हैं और सारे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक 1। मीट यू सून, एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।